हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। एंड फिलहाल भाई, आपने शुरू की सिनेमैटिक देख ली है तो फाइनली लड़की आपको पता ही होगा कौन है, बट फिलहाल थोड़ा और आपको पता लग जाएगा। तो ट्रेवर यहाँ पर था पहले से ही, शायद से इसका वेट कर रहा था। वो धीरे धीरे पता लगता रहेगा आपके एपिसोड में क्या क्या चल रहा है। ट्रेवर भैया ने बहुत बढ़िया, आई विल टेक, काम मत करो। तो कहने की बात यह है, तो सामने लड़की खड़ी हुई है, फोन पर बात कर रही है। वो क्यों फोन पर बात कर रही है, जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि भाई मुझे लगता है शायद से किसी ने इसका टायर ब्लास्ट कर दिया। देखो यहाँ पर टायर में ट्यूब है, टायर है मतलब पीछे वाला टायर में रिम रिम है, टायर है ही नहीं, ब्लास्ट। तो सीधी सी बात है, किसी ने कुछ तो किया है। अब किसी ने किया हो तो देख लेंगे। तो एक काम करते, चलिए लड़की की हेल्प कर देते हैं, ऑफर करना चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है भाई, फिलहाल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया आपने। तो देखते हैं क्या करेगा ट्रेवर, क्या नहीं करेगा। एंड भाई, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, इस एपिसोड में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में ट्रेवर कमाल कर देगा एंड थोड़ा सा मज़े वाला काम कर देगा। सस्पेंस तो है ही है और ऊपर हो जाएगा एंड लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छी की बात भी नहीं है, मतलब कि आप देखिए, देख के आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, ऑफर करते हैं हेल्प की, देखते क्या होगा। ज़रा सुनिए, थोड़ी हेल्प कर दूँ मैं आपकी, टायर वगैरह आपका फट चुका है। तो बोलिए, लड़की को बात तो की है मैंने एंड लो घूम भी गई है। तो ये जो टायर आपका मैंने देखा ब्लास्ट कर दिया है किसी ने, तो चलिए कोई बात नहीं, या तो मैं रिपेयर करवा देता हूँ किसी को बुला करके, या फिर मेरी साइड में कार खड़ी हुई है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बताओ कहाँ पर जाना है आपको। एटीट्यूड है भाई, अब देखो यार एटीट्यूड होगा, सीधी सी बात है, पैसे वाली है तो सीधा बोलती है। कोई और अच्छा बहाना नहीं मिला लड़की को साथ में ले जाने का, वगैरह वगैरह बहुत सारी इसने बात बोली। तो मैंने बोला भलाई का ज़माना नहीं है, हेल्प करने आया था। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, तेरा मतलब के हद हो गई है। सोच रही कि ड्राइवर भाई उल्टे काम करना सोच रहा है, या फिर जो भी है कहीं लड़की को देख के फ़ायदा उठाना सोच रहा है, ड्राइवर उनमें से थोड़ा ही है। अब भैया इसका दिमाग इस तरीके से चलता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। हेल्प देना सोची थी, नहीं ली तो ठीक है, खड़ी रहो भाई, कोई बात नहीं है। ड्राइवर भाई को परेशान करती है, ड्राइवर भाई एक तो शरीफ बन रहे हैं, ऊपर से उल्टे काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गाड़ी लेते हैं, जो भी होगा देखे जाएगी। मैंने सोचा घर छोड़ दूंगा, बट ये नहीं चाहती जाना, अब टैक्सी पकड़ के ले करके जाएगी। इतनी अच्छी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया इसने, कमाल की कार है। तो ये मेरे को परमानेंट कार मिल चुकी है, फिलहाल ये कार मुझे गिफ्ट करी है हमारे इक्लिप्स वाले बॉस ने। अब कोई आज होगा लास्ट एपिसोड चेकआउट नहीं का तो कर लीजिए, बेस बहुत अच्छे सेटअप हो चुका है ड्राइवर का। एंड ड्राइवर बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड बंदा है, बस इतना ही कहूँगा, बाकी आप देख के समझ जाओगे। तो पूर्ण के लिए ये बात है, उसको खुश किया मैंने, उसको एक नकली दिया था ना स्टैचू, उसको थोड़ी बताया वो नकली है, ना गवर्नमेंट को पता चला शायद से। तो अब देखो क्या हो गया। एंड हाँ, एक बात और, अब आर्मी के पास तक बात जाने वाली है, और आर्मी के पास जाती ना बात इंटरेस्टिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं क्या हो क्या नहीं होगा। ड्राइवर भैया निकलो यहाँ से, मैंने ऐसे ही पीछे घूम करके देखा एक बार, क्या कर रही है, टैक्सी बुलाई या नहीं बुलाई। हद हो गई भाई, लड़की के ऊपर एम करके रखा है। अबे नमूनों के सरदार और भाई साहब, ये कौन से मैटर का सुपर, कौन से टाइप का सुपरमैन था ये? नहीं नहीं, सुपरमैन नहीं था, शायद से गेम का कुछ हो। भाई 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 भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गोली मार दिया बे नमूनों के सरदार की। चल क्या रहा है ये, चल क्या रहा है। हेलो, लड़की को गोली लग गई है बहुत अच्छे वाली, एंड मेरे को इसको जल्दी से हॉस्पिटल में ले करके जाना ही पड़ेगा। ये क्या ड्रामा हो गया अभी तो, हम इसको भाई, ये चल क्या रहा है बेचारी को, मैं इसे जल्दी लिफ्ट दे देता हूँ। एंड कोई गोली मार करके चला गया, जल्दी 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 हॉस्पिटल में लेकर के जाता हूँ यार, नहीं तो उल्टा सीधा काम हो जाएगा। पहुँच पे भाई, तो कौन से हॉस्पिटल में इसको लेकर के जाए? देखो हॉस्पिटल तो सेम ही रहेंगे, कोई बात नहीं, जैसे पुराना लॉ सेंटर था तो उसी वाले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बट देखो हाँ, ट्रैवल की कोई सेटिंग वगैरह नहीं है हॉस्पिटल में। लास्ट टाइम जो हमारी सीरीज थी वहाँ पर ट्रैवल की बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट थे, डॉक्टर खुद ही फ़ोन करते बोलते थे सर आ जाइए, तैयार बैठा हूँ, सबको छोड़ दिया पेशेंट को। तो वो वाली बात थी पहले, तो खैर कोई बात नहीं, ट्रैवल अभी वही वाली बात बना लेगा। तो इससे पहले कुछ उल्टा सीधा हादसा हो जाए, लड़की मर मुरा ना जाए, काम करना पड़ेगा जल्दी। कार पार्क मैंने कर दिए, फाइनली हॉस्पिटल पे लेकर के पहुंच चुका हूँ जल्दी। ड्राइवर मेरे दोस्त तो ये बेहोश है काफ़ी टाइम से, होश में नहीं आई है अभी भी, कोई बात नहीं, देखते हैं बच पाएगी नहीं बच पाएगी। बट यार काम ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया। ड्राइवर भैया ज़रा चेक करो डॉक्टर वगैरह कहाँ पर है। अरे डॉक्टर कहाँ निकल गए, खाली पड़ा है पूरा हॉस्पिटल, पेशेंट को गोली लगी है भाई, एमरजेंसी केस है। ये डॉक्टर नमूनों के सरदार, ड्राइवर ऊपर निकल जल्दी चेक कर। तो ठीक है भाई, देखता हूँ कोई डॉक्टर है नहीं है, पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, अमेजिंग लेवल, तो क्या ही बोले। दरअसल ना वो थोड़ा शौक में बेहोश हो गई है, तो वो गोली लगी नहीं यार उसको, वो बेहोश है शौक में, झटका लग जाता है। पता है ड्रामा क्या हुआ है, ये कौन चिंदी चोर था पहले तो एक बात समझ नहीं आई मेरे को। तो ठीक है डॉक्टर, चलो जब वो होश में आ जाए उसको उसके घर पे छोड़ देना, या फिर जो भी उससे पूछ लेना कहाँ से वो आई है, कौन है, क्या हिसाब है, मैं नहीं जानता, रैंडम पड़ी मिल गई थी मेरे को रोड में, मैं आ गया हेल्प करने के लिए। ठीक है, पहुँच जाओ। अरे भैया गोली लगी है, ठीक है
बट वो टमाटर वाली गोली थी, समझ रहे हो? उसको ऐसा लगा लड़की को कि मेरे को किसी ने गोली मार दी, शौक में बेहोश हो गई, समझ रहे हो? तो टेंशन में उसका सर्वर लग गया गाड़ी में, जिसकी वजह से वो टमाटर की चटनी फैल गई यहाँ पर। वो जो नमूना चीनी चोर था, वो उस लड़की को लूटने आया था, डराने आया था, मुझे नहीं पता क्या करने आया था। मैंने उसको टक्कर मारी, इसी चक्कर में उसने गुस्से में वो नकली गोली मारी, उस नकली गोली से नकली खून निकला, वही सेम जैसा होता है मूवीज में, बस वही वाला काम हुआ। और लड़की ने सोचा मेरे को गोली लग गई, टेंशन में भैया टेंशन में बेहोश हो गई है वो, गोली वोली नहीं लगी उसको, तो नकली गोली थी टमाटर वाली, वो टमाटर की सॉस थी जो मैंने सोचा खून निकल रहा है, ड्राइवर समोसे ले लेते खा लेते हम तो, कमाल हो गया। तो फिलहाल चलिए ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, बॉडी पे कोई गोली का निशान नहीं है, कपड़े ही गंदे हैं, सिर्फ चटनी में और कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने की बात यह है ठीक है, मैंने बोल दिया भैया जब ये होश में आ जाएगी, सदमा इसको जो लगाया उससे बाहर निकल जाएगी, तो इससे पूछ लेना कहाँ से आई हो बेटी, इसे घर भिजवा देना। ठीक है भाई, सुबह सुबह परेशानी कर दी, मतलब कि रात के टाइम अच्छा खासा ड्राइवर क्लब में टाइम पास कर रहा था, बट नहीं, हमारी प्यारी लड़की को लिफ्ट लेने से मना करना था और फ्री में टमाटर की गोली खानी थी, कैसे कैसे काम होते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात क्या है, बच गए भैया, नहीं तो गोली मार भी सकती थी इसको। इतनी सी बात है यार, इतनी देर से खून निकला, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है ये, अब टमाटर पहले जा रहा है। खैर हो जाता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है दुनिया में। तो एक बात समझ नहीं आई कि आखिर वो बंदा इसके ऊपर गन पॉइंट कर क्यों रहा था, और कर भी रहा था तो नकली गन लेकर टमाटर वाली गोली क्यों लेके आया था, क्यों? मैंने पार्किंग से गाड़ी उठा ली है, एंड भैया मैं तो सीधा जा रहा हूँ घर पर सोने के लिए, जो घर मैंने यहाँ पर लेकर के रखा हुआ है, एंड देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर आज का एपिसोड जो है बहुत अलग न्यू टर्न लेने वाला है हमारी सीरीज में, एंड बहुत ज़्यादा सस्पेंस तो है ही है, ऊपर से कहानी थोड़ी चेंज होगी एंड मज़ा आएगा आपको देखने में, तो बहुत अलग चीज़ें हो जाएगी, वो देखिए क्या क्या होगा एंड क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर भैया तो ड्राइवर भैया ही है। अभी जब इसको माफिया वाले बंदों ने परेशान करके अपनी टीम में ज्वाइन करा ही लिया है, तो ठीक है देखते हैं ट्रेवर अब क्या करने वाला है। अब देखो फ्यूचर में ही पता लगेगा थोड़े कुछ एपिसोड के बाद में कि ट्रेवर आखिर है कौन, कहाँ से आया, कहीं अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा है, फिर कोई ज़बरदस्ती सच्ची में इससे करवा रहे हैं सारे काम, वो तो देखो सस्पेंस है, वही आपको पता लग जाएगा। एंड बाकी देखो सभी माफिया का एक टारगेट है, जो मेरे को भी टारगेट दिया है इस बंदे ने, नए वाले बंदे ने, तो मैं एक ज़रा पहले आपको अगले दिनों का मैं आपको फिर कुछ स्टोरी थोड़ी बाद में बताऊँगा। घर पर पहुँच चुका हूँ, होम स्वीट होम, प्यारा प्यारा घर ट्रेवर भैया का, अमेजिंग लेवल। देखो अपना नहीं है कोई बात नहीं, क्लिप्स वाले बंदों का है, बट रहने के लिए तो मुझे दे करके रखा है, तो आजकल तो ट्रेवर सिर्फ अकेला यहाँ पर रहता है। गार्ड्स वगैरह उसने बोले थे कि भैया कुछ चाहिए हेल्प पे, मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गार्ड्स अगर यहाँ पर आएंगे तो मेरा ही खून चूसेंगे, सीधी सी बात है, मेरे ऊपर नज़र रखेंगे, एंड ट्रेवर को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उसके ऊपर नज़र रखे, ऐसे काम ट्रेवर कभी करता ही नहीं है। तो ट्रेवर भैया ठीक है चलिए आराम कीजिए, ट्रेवर अभी थोड़ा चेक करेगा कंप्यूटर में कुछ अपना काम करेगा, फिर सोएगा, एंड उसके बाद देखते हैं अगले दिन क्या होगा। सुबह के 9 बज चुके हैं, फ्रेश होकर के ड्राइवर आ चुका है, अच्छी खासा सो लिया, ज़्यादा टाइम बचा नहीं था दिन होने में, कुछ ही घंटे बचे थे, बट फिर भी ड्राइवर 9 बजे तक सोया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट तक सो गया थोड़ा। तो ठीक है कार लेते हैं, एंड अभी अभी फ़ोन का मतलब कि फ़ोन आया बॉस का ही, एक पुलिस वाले बंदे का, तो ठीक है उसके पास ही निकलते हैं। तो ड्राइवर डार्क सिटी वापस नहीं गया, आपको याद होगा लास्ट में हुआ क्या था, एपिसोड लास्ट का चेकआउट किया ना आपने, उसको नहीं किया तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ड्राइवर है कौन, देखो ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस लग रहा है यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ड्राइवर के साथ में, एक बंदे ने लास्ट एपिसोड में उसको पहचान लिया था, याद है एपिसोड आपको, और उसको जाके ड्राइवर ने तोड़ दिया था वहीं पर। दरअसल ये उसी इक्लिप्स वाले बंदे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इक्लिप्स वाला बंदा लास्ट एपिसोड में मुझे किससे मिलाने वाला था, एंड मुझसे मिलने के लिए गया तो उसने मुझे पहचान लिया, ड्राइवर को पहचान लिया मतलब, एंड उसका तो भाग गया, और फिर ड्राइवर उसके पास ही गया और उसको जिंदा जला करके वहाँ से आ गया। उसने बोला मैं किसी को नहीं बताऊँगा आपका राज वगैरह वगैरह, आखिर क्या राज है जो इतना डर गया बंदा, और ड्राइवर ने जिंदे को जला दिया। भाई वैसे मारते नहीं किसी को भी, देख रहे हो आप, तो इसका तो कुछ तो बड़ा सस्पेंस है, फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें छुपा रहा है अपने बारे में, ये नहीं चाहता कोई इसको जाने, इतनी बात तो कन्फर्म है ड्राइवर बहुत बड़ी चीज़ें लिए बैठा है। बट खैर मैंने फिर बोला ये स्टोरी बहुत डीप माफिया में है, एंड ऊपर से ड्राइवर इसमें बिजनेसमैन भी बनेगा, अमेजिंग वाले काम भी करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से लेवल पर जाएंगे, ऐसे नहीं कि रात रात अंबानी बन जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे ट्रेवर बिजनेस में ग्रो करेगा, लॉस सेंटर्स का टॉप नंबर वन बनेगा ना बंदा, बिजनेस ऐसा करेंगे कि पूरे नंबर वन टॉप में बिजनेसमैन में ट्रेवर आएगा, और माफिया का वो सस्पेंस रखते हैं अभी आगे के लिए, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है निकलते जल्दी से क्लिप्स के मेंशन पर, उसके पास जाना है मिलना है, क्योंकि नमूना मेरा प्यारा भाई परेशान है, फोन कर रहा है, जाके पूछते भैया क्या परेशानी है तुझे। पहुंच चुका हूँ क्लिप्स वाले बंदे के पास में, एंड यार इस गाड़ी मतलब इस कार को इसने मुझे गिफ्ट किया, मैं ये तो आपको बात बोल रहा था थोड़ी देर पहले, ये कार ना देखो जब मैं लॉस सैंटोस जा रहा था आपको याद होगा, तो ट्रेवर रुक गया, नहीं तो ट्रेवर फ्री था बिल्कुल जाने के लिए, बस एक ऑफर तो मिला था इसकी तरफ से मुझे, क्योंकि मैंने इसको गोल्डी कार दिया था ना स्टैचू, तो इसने बोला कि भैया तेरी मर्जी है, देख तू जाना चाहता चला जा, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगा और काम के अलग से पैसे दूंगा अगर तू मेरे लिए काम करेगा। तो ट्रेवर ने बोला ठीक है मैं काम करूंगा, बट ये बात उसके बाद हुई जब इसने मर्डर कर दिया उस बंदे का,
फिर इसके बाद में मुझे एक नया काम दिया कल, तो ट्रेवर रुक गया, नहीं तो मैं डार्क सिटी पहुंचने वाला था। बट मैंने फिर बोला अभी कुछ एपिसोड्स लॉस सैंटोस में, उसके बाद जब यहाँ पर बेस सेटअप होगा उसके बाद डार्क सिटी में जाएगा एंड वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें होगी वो बाद में। तो कहने की बात ये है ट्रेवर रुक गया, अब वो तो ट्रेवर की मर्जी है भैया, हम तो देख सकते हैं, ट्रेवर का डिसीजन चेंज नहीं कर सकते ना इससे पूछ सकते करना क्या तुझे, ये करेगा वो जो स्टोरी है। तो ट्रेवर ने बोला ठीक है ऑफर अच्छा लगा मुझे, बोलो काम क्या है। तो इसने सबसे पहले गिफ्ट के तौर पर मुझे गाड़ी दी, बोला आज से कार तुम्हारी है, तुमने मुझे इतना महंगा स्टैचू दिया है, मुझे सबसे अमीर बना दिया, मेरे मज़े उठा दिए। मैंने बोला आगे बोल, तो ठीक है कार तो मुझे मिल गई थी। फिर इसने बोला मेरे दुश्मन की एक बेटी है एपेक्स, यहाँ पर देखो अलग अलग माफिया है, ये इक्लिप्स वाला बंदा है, कुछ गोल्डन वाले बंदे हैं, कुछ एक्स माफिया के हैं, बहुत सारे नाम है, कुछ मिडनाइट वाले बंदे हैं, मैंने बताया 12 गैंग्स है, सबके अलग अलग नाम है। तो एपेक्स नाम का एक और माफिया है, इसका कोई देखो आपस में 12 वाले बंदे जो 12 अलग है, अलग अलग माफिया, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती किसी की भी, एक साथ आ जाते हैं जब मुसीबत आती है एक दूसरे के ऊपर, अलग बात है, बट नहीं तो एक दूसरे से हेट करते हैं और सब अपना अलग अलग काम करते हैं और अपना कुछ भी करते हैं, जो करते हैं वो देख लेंगे, बट अलग है सारे के सारे। तो इसने बोला यार बहुत दिन से मेरी नज़र है एपेक्स के माफिया पर एंड उसके बोस पर, अगर तुम किसी तरीके से उनको मेरे कंट्रोल में ले आओ ना मेरे दोस्त ट्रेवर, तो हम दोनों मिल करके बहुत अच्छे से काम करेंगे, मैं तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत बंदे मेरे पास काम करने के लिए बट उनसे नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं अपने बंदों को भेजूंगा उनके एरिया में तो गैंग वॉर शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, ना वो हमारे एरिया में जाते ना हम उनके एरिया में जाते, हम अपना अलग काम करते हैं अपना अलग काम करते हैं और सब कुछ बैलेंस में चलता है, बट तुम बाहर के बंदे हो, तुम ना उसकी टीम के ना मेरी टीम के, प्लीज़ मेरे लिए कुछ काम करवाने मुझे तुमसे, अगर तुम कर दो तो मज़ा आ जाएगा। तो काम पता क्या इसने फिर ट्रेवर को दिया, ये पहले हो चुका है, बाद में आपको बता रहा हूँ फ्लैशबैक कैसे कैसे काम हुआ है। तो इसने मुझे काम दिया था कि उसकी एक बेटी है जेनिफर नाम का, तो जेनिफर नाम है उस लड़की का, तो इसने बोला जेनिफर है उसको अपने प्यार में डालो ट्रेवर, और उसको यूज़ करो उसके पापा को दी एंड करने के लिए, बाकी तुम समझदार हो, मैं मतलब कि तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे एपेक्स माफिया ख़त्म करनी है, उसको अपने कंट्रोल में करनी है, अपने अंदर ले करके आना है उसको, ताकि वो मेरे में जुड़ जाए और उसकी पावर्स मेरी हो जाए, समझ रहे हो। जेनिफर के पापा को या तो मारना चाहता है मेरे को यूज़ करके, या फिर उसको अपना गुलाम बनाना चाहता है जिससे उसकी सारी पावर्स प्रॉपर्टी इसकी लड़की को यूज़ करके, अमेजिंग लेवल। सीधी सी बात है, इसने बोला कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है वो एंड वो ज़रूर झुक जाएगा ट्रेवर, बस मेन टारगेट है उसकी बेटी को तुम अपने कंट्रोल में कर लो, और ट्रेवर ने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए ट्रेवर क्लब में गया था, उसको फॉलो कर रहा था एक दो दिन से, ट्रेवर ने डेली उसका रूटीन देखा, पैसा उड़ाती है, काम कुछ नहीं करती, वो कहते हैं महंगे पापा की बेटी है तो खर्चे तो महंगे होंगे ही, तो इसलिए उसने बहुत सारे खर्चे दबा करके वो करती है, कहने की बात यह है। तो ट्रेवर ने देखा उसका रात को डेली का रूटीन भी है, क्लब में जाना, ट्रेवर ने ये सारा काम किया, तभी तो मैंने बोला टमाटर की चटनी। अब देखो उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि ये बताना ज़रूरी था, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लब में मेरे को पता था वो डायरेक्ट मुझसे लिफ्ट नहीं लेगी, क्योंकि एटीट्यूड है भैया, और अमीर बंदों में ज़्यादातर ये होता ही है, ऊपर से उसमें तो कुछ ज़्यादा ही है। उसने सीधा देखते ही बोल दिया कि फ़ायदा उठाना चाहते हो ये वगैरह वगैरह, कई लड़की देखते शुरू हो गए, उसने बहुत सारी बातें मेरे को सुनाई, मैं आगे आ गया। तो मैंने बोला अपने बंदे को फ़ोन करके, चल बेटा मेरा काम तो बना नहीं, इज्जत से मानी नहीं, टायर पंचर करा था मैंने तो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने बोला अब तू आ। वो नमूना आया, मैंने उसको टक्कर मारी, वो सब कुछ एक सेटअप था, देखो भैया टक्कर मारनी थी, मैंने उसको पहले बोला था थोड़ी टक्कर तेरे को लगेगी, चोट लग सकती है। उसने बोला कोई बात नहीं, पैसे के लिए मर भी जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने उसको टक्कर मारी, मैंने गोली इसलिए नहीं मारी क्योंकि मारना नहीं था, मेरे सेटअप था। फिर उसने गोली चलाई लड़की को डराने के लिए कि भैया असली का था ये सब कुछ, क्योंकि वो माफिया की बेटी है, शक कर सकती है कि सब कुछ सेटअप तो नहीं है, नहीं है। फिर उसके ऊपर गोली चली जिसकी वजह से बेहोश हो गई। आने से पहले मैंने डॉक्टर को पैसा खिला दिया था, तो उस लड़की को यही बोलना कि गोली छू करके निकल गई है, बस तुम बच गई, उसको ये मत बोलना नकली गोली थी, ताकि नहीं तो थोड़ा प्लान ख़राब हो सकता है। तो डॉक्टर ने उसको वही बोला जो मैंने बोलने को बोला, और मैंने नहीं चाहा, देखो अब नकली गोली तो मुझे मरवानी थी यार, मेरे को लड़की थोड़ी मरवानी थी, तो ठीक है कहने की बात ये, आप मेरा प्लान समझ गए होगे। तो अब देखते हैं इस प्लान का क्या फ़र्क पड़ा, लड़की क्या अभी ट्रेवर की बात सुनेगी, अभी भी एटीट्यूड में रहेगी, वो तो पता लग जाएगा। तो कल रात एक तरीके से मैंने उसकी जान बचाई है एक बंदे से जो उसको मारने आया था, तो कुछ तो होगा यार, अब कुछ थैंक यू उनकी कुछ तो बोले, ये अभी भी एटीट्यूड की दुकान ऐसी है। तो देखते हैं ट्रेवर कितने टाइम में इसको बोतल में उतार लेगा जेनिफर को। देखो यहाँ पर इसका नाम ना लेक्सी है ना रोज़ा है, एंड यहाँ पे है जेनिफर, क्या चीज़ है क्या सारी चीज़ें वो आपको फ्यूचर में पता लगेगी, मैं बिल्कुल सरप्राइज़ ख़राब नहीं करूँगा, बाकी समझदार समझ सकते हैं, बाकी देख करके समझ जाना बाकी बंदे। तो ठीक है निकल, लगता है बड़ी जल्दी बोतल में गिर गई यार ये लड़की, तो एटीट्यूड जितना था उतनी जल्दी से बानी। खैर यार जिसकी जान बचाई है, देखो जान बचाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो एकदम से पिघल गई,
उसने बोला मैं जेनिफर बोल रही हूँ। वैसे आपको याद नहीं होगा बट रात क्लब पे मैंने पता किया कि किसी ने मेरी जान बचाई, क्योंकि मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे बचाया। मैंने पूछा फ़ोन करके क्लब से, मैंने कैमराज मंगाए तो देखा तो आप वहाँ पर आए, आपने मुझे उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, मेरा इलाज करवाया, थैंक यू, बट मैं बच गई। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप आ जाइए मेरे एड्रेस पर वगैरह वगैरह। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है भैया, लगता है जल्दी, बहुत जल्दी से अपना प्लान पूरा होने वाला है एंड जेनिफर होटल में उतरने वाली है। बहुत सही है तो माफिया की वर्टी वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात क्या है, उसके पापा आजकल बाहर गए हुए हैं, एपेक्स का जो माफिया है वो बाहर है, तो बहुत अच्छा चांस है हमें जेनिफर को होटल में उतारने का। अगर इसी टाइम के बीच में हमने उसको अपना कर लिया, अपनी टीम में कर लिया, ट्रेवर के जाल में फंसा लिया, प्यार के झूठे जाल में, जो फिर सच्चा प्यार भैया वो तो ट्रेवर ही जाने, कहने की बात ये अगर अपनी टीम में आ गई ना तो बढ़िया हो जाएगा। अगर उसके पापा पहले आ गए तो देखो फिर नुकसान हो सकता है, देख लेंगे जैसा भी है। ट्रेवर ही आगे निकल, जेनिफर के घर पर पहुँच चुका हूँ। देखो ये कोई मेन माफिया का बॉस का एरिया नहीं है, ये जेनिफर के लिए स्पेशल घर बना के रखा है उसके पापा ने। ये हमारी कहानी में पहले अलग था बट यहाँ पर ये जेनिफर का घर है, ये कोई माफिया के एरिया में घर नहीं आता, ये बहुत ही पीसफुल एरिया है। जेनिफर ने अपने पापा से बोला मैं अच्छे अलग घर पर रहूँगी पापा, मुझे आपके माफिया के एरिया में पसंद नहीं आते घर वगैरह, मुझे एक अच्छा छोटा सा घर बनवा के दे दो जहाँ पर मैं अकेले रह सकती हूँ, अपनी लाइफ आराम से जी सकती हूँ। तो उसकी जिद के ऊपर उसके पापा ने नया घर बनवा के उसको दिया, बट एक शर्त पर कि गार्ड्स रहेंगे परमानेंट। तो यहाँ पर गार्ड्स रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, और जेनिफर यहाँ पर अलग रहती है। मैप पर कहीं पर भी यहाँ पर आपको डार्क एरिया नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एरिया किसी माफिया कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि अगर याद था तो यहाँ पर जेनिफर रह नहीं पाती, बट ये एरिया बिल्कुल सेफ है लॉस सैंटोस का एंड वगैरह वगैरह। तो जेनिफर यहीं पर घर ले करके रहती है। हेलो भैया आवाज़ सुनो ज़रा, बंदे ने बोला कि सर आपका वेट कर रहा था मैं, मेरे को मैम ने फ़ोन करके बताया था अंदर से, वो भाई मालकिन है इसकी, तो इसने बोला आप आराम से या तो घूम लीजिए या बैठ जाइए, आप वेट कीजिए, वो रेडी हो रही है एंड वगैरह वगैरह। तो ठीक है वेट करते हैं। भैया जेनिफर की, जेनिफर को इतना ही बताया गया कि गोली छू कर निकल गई, मतलब कि उसको टच होकर निकल गई, स्क्रैच नहीं आई, मतलब बच गई बस वो। अब यार ये नहीं बोल सकते थे ना चटनी थी, बाकी मैं कवर कर दूंगा। अगर वो पूछेगी ना कि गोली का निशान नहीं आया, गोली चली थी, तो मैं उसको बोल दूँगा गोली ऊपर से निकल गई तेरे, झूठ बोलना पड़ेगा यार क्या बोले। तो फिर ये बोलेगी गोली का मतलब कि ब्लड तो था मेरे कपड़ों पे। तो अब यार एक्सप्लेन कैसे करूँ इस चीज़ को, मैं नहीं चाहता मेरा प्लान फेल हो जाए। अब यही बोल दें कि ये खून उस बंदे का है जिसके ऊपर मैंने गाड़ी चढ़ाई है, वो तुम्हारे ऊपर गिर गया होगा, छींटे गिर गए होंगे कुछ तो बोल देंगे, या फिर बोल दूंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने गिरा दिया होगा तुम्हारे ऊपर गलती से वगैरह वगैरह, जो भी है दवाई नहीं, या दवाई गिर गई होगी, खून थोड़ी सा ज़रूरी थोड़ी है, कोई चाट के थोड़ी देखेगा खून ने, दवाई है, कवर कर लेगा ड्राइवर, आने दो उसको एक बार फिर देखते हैं। फाइनली जेनिफर आ चुकी है, कोई कुछ भी कहो स्वैग एक नंबर होता है इस वाली लड़की का, लेक्सी का एक नंबर स्वैग था, रोज़ा का एंड जेनिफर, अमेजिंग लेवल। तो जैनी जी चले, तो क्यों बुलाया आपने, दरअसल बात हो गई है इसलिए मैंने बोला चलने के लिए, तो चलिए मैं आपको चलते चलते बात बताता हूँ। ठीक है जेनिफर आओ चलते हैं, दरअसल ये थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है मेरे साथ में, इसको गिल्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब कि पछतावा है कि इसने इतने रूडली बिहेव किया मेरे साथ में, इतने बदतमीज तरीके से बात करी, मैं इसकी हेल्प करना चाह रहा था और इसने मेरी बेइज्जती करी थी ना बड़े स्टाइल से, तो इसने बोला आई एम सो सॉरी मैंने ऐसा बिहेव किया, उसके बाद भी आपने मेरी हेल्प करी, आप बहुत अच्छे बंदे हो वगैरह वगैरह, बहुत बातें बोली। तो अभी कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं एंड देखते क्या होगा। तो वो ये मत सोचे कि लड़की बोतल में गिर गई, बस थैंक यू बोल रही है बेचारी यार, ये कोई भी आम इंसान ऐसे ही करेगा। अगर आप किसी की जान बचाओगे तो कोई दूसरा इंसान आपको थैंक्स बोलेगा, आपको लेके जाएगा खिलाने पिलाने के लिए, फिर जो भी है थैंक यू ज़रूर बोलेगा, तो वही वाला काम कर रही है। ये मत सोचे कि अभी तक ट्रेवर का मिशन पूरा हो गया है और ये बोतल में आ गई इतनी जल्दी, ना ना भैया एक नॉर्मल बिहेवियर है, जब तक ये अपने मुँह से नहीं बोलेगी कि ट्रेवर में तुम्हें पसंद करती हूँ तब तक प्लान पास नहीं होने वाला। मैं और जेनिफर पहुंचने वाले हैं, सबसे पहले ना हम लोग फिलहाल कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं, इसने बोला कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर के जाऊंगी एंड वगैरह वगैरह। तो ठीक है जैसा भी है कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी की शॉप कहाँ पर है, जीटी वाले कॉफ़ी की शॉप बना देते तो सिचुएशन बहुत अच्छी रहती, लगता है सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, सफाई भी शॉपिंग भी, कोई कॉफ़ी की शॉप ही नहीं जीटी में इस टाइप की जहाँ पर ऑफिशियल आप जाके चाय पी सको। जीटीए इतना बड़ा गेम बनाया जीटी वाले ने बट कॉफ़ी शॉप बना देते यार तो कितना अच्छा होता ना सच्ची में, बट जी टी ए में कोई ऑफिशियल कॉफ़ी शॉप नहीं है यार जहाँ पर आप जाकर चाय पियो। खैर होगा जी टी सिक्स में कुछ तो होगा, यहाँ पर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, टाइम पास तो करना ही है, लड़की के लिए घूमना है, इसने बोला कॉफ़ी वॉफी पीनी है तो पी लेते हैं, तो यहीं पर आते हैं। तो फिलहाल ये एरिया काफ़ी अच्छा है, चलिए जेनिफर जी एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा चाय पानी नाश्ता भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आइए। तो हम लोग जगह पर पहुँच चुके हैं, तो एक सेकेंड ट्राई भैया कैसे क्या होगा, प्रेशर बन गया क्या, ओके नहीं ठीक है नीचे बैठ गया था किसी वैसे, तो क्या हो जेनी, तो आगे निकलो, जेनिफर काफ़ी लंबा है जेनी बोलते हैं, फिर जेनिफर भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट जेनी बोलेंगे तो शॉर्ट में हो जाएगा। आओ जेनी जी आ जाओ इधर से आ जाओ, तो चाय वाय पीते हैं भाई, टाइम स्पेंड करते हैं, बस काश ये जल्दी ही ट्रेवर के कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल में नहीं करना मतलब कि जल्दी प्यार में आ जाए ट्रेवर के, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो एक दिन में तो नहीं होती है सारी चीज़ें, काश बस जल्दी हो जाए तो ट्रेवर का प्लान बहुत स्पीड से आगे जाएगा,
ना भी हो तो कोई बात नहीं, आ गया। आओ जैनी, मैं ऑर्डर करता हूँ चाय कॉफ़ी एंड फिर पीते हैं, फिर निकलते हैं। एक घंटा हमने बहुत अच्छे से कॉफ़ी पी, नाश्ता किया, स्नैक्स लिए थोड़े बहुत एंड निकल गए। तो इसने बस मेरे बारे में पूछा, तुम कौन हो वगैरह वगैरह। मैंने बोला मैं एक मैकेनिक हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं रहता। ड्राइवर ने सच बोला, जो है वो है, कोई फालतू बात नहीं बोलता ड्राइवर। देखो प्यार करेगी तो ऐसी करेगी, झूठ बोल के प्यार नहीं करना, बात खत्म। ड्राइवर ने सच 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 बोला, बिल्कुल बोला कि मैं एक मैकेनिक हूँ एंड मैं डार्क सिटी से आया हूँ, यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम करता हूँ किसी के लिए, बस यही काम है। बाकी ये कार भी मेरे को, मेरी खुद की नहीं है, मेरे बॉस ने मेरे को गिफ्ट करी है, सच बोला। तो जैनी को अच्छा लगा, देखो पैसे को जैनी के पास कमी नहीं है, इसको ये चीज़ अच्छी लगी कि ड्राइवर ने सच बोला, क्योंकि बहुत बार सच्चाई काम आती है। बहुत बंदे होते हैं ना जो पहली मीटिंग पे झूठ बोलते हैं, अपना वो कहते हैं दबदबा बनाने के लिए लड़की के सामने, अपनी इमेज बनाने के लिए, नकली इमेज, इसमें वो दो आगे फेंकते हैं क्या भैया है, अपने पास ओल्डी पड़ी है, पीस पीस रंग खाए पड़ी है, कोई देखता भी नहीं है। फिलहाल जेनिफर से दो चार बातें और मैंने करी एंड बाकी तो देखो सच बोला तो उसको कुछ फ़ायदा हो ना हो तो फ्यूचर में पता लगेगा, बट कितना टाइम जाएगा ड्राइवर और इसको मिलना वगैरह तो देखते हैं कितना टाइम जाएगा प्यार होने में, वो देख लेंगे। बट पॉइंट अब ये है कि इसने बोला कि टाउन सिटी पर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, वो बेस्ट जगह है और मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है पूरे लॉस सैंटोस की। जब भी मैं अकेली फील करती हूँ या फिर मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो मैं हमेशा वहीं पर जाकर के टाइम स्पेंड करती हूँ। अमेजिंग, ये टॉप सीक्रेट है इसका, इस नाश्ते कभी किसी को नहीं बताया, जब ड्राइवर को बताया ये उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्यों है मुझे नहीं पता, बट ठीक है जेनिफर लेकर के चलते हैं। तो भाई फिलहाल सीक्रेट्स बता रही है मेरे को, तो इसका मतलब दिखता है प्रोग्रेस अच्छी जा रही है एंड बहुत जल्दी से हम लोग जेनिफर को ट्रेवर के प्यार में डलता हुआ देख सकते हैं, जिससे शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। अब देखना ये बात है कि ट्रेवर इसको हमेशा प्लान के तरीके से ही लेगा या फिर ट्रेवर के दिल में भी कुछ इमोशंस आएंगे, तो फ्यूचर में ही क्लियर होगा। यार भैया जी ज़रा उड़ा दो गाड़ी को क्योंकि टाइम लगेगा, माउंट सेट बहुत दूरी पर है यार, सच्ची में काफ़ी दूर है अभी तो। ठीक है वेट करते, पहुँचने वाला हूँ मैं ऊपर की तरफ। जेनिफर बोल रही है कि काफ़ी अच्छी कार चलाते हो तुम, ऐसे ही लेकर के आ गए सीधा इस कार को यहीं पर, तो इस टाइप की कार तो यहाँ पर चलती है बिल्कुल भी। मैंने बोला कि मैं मैकेनिक हूँ और एंड मुझसे अच्छी गाड़ी को चला नहीं सकता, ये तो मेरा वो कहते पेशा है। खैर भैया बस खैर तारीफ भी मिली और क्या ही बोले, तो ठीक है मैं पहुँच गया। ओके जेनिफर तुम्हारी मोस्ट फेवरेट जगह पर हम पहुँच गए हैं, ओके बताओ अब क्या करें। बातचीत ही हो गया यार, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे निकलेंगे, और वैसे भी यही ट्रेवर का टास्क है, इक्लिप्स के बॉस ने यही मुझे बोला है कि जेनिफर को पूरा ट्रेवर की बोतल में उतरना है, जिससे फ्यूचर में अगर इससे हम कुछ भी ऐसी बात पूछे इसके पापा के लिए, मतलब कि इसके पापा का क्या क्या राज है या फिर कहाँ पे उसकी सीक्रेट चीज़ें रखी है, कुछ प्रॉपर्टी के ऐसे पेपर्स या कुछ भी जिससे हम उसको ब्लैकमेल कर सके, तभी तो ये कुछ बताएगी। बट पूछना पड़ेगा स्टाइल से, ऐसे नहीं कि इससे हम डिटेल्स वैसे निकलवा रहे हैं उसके पापा को मारने के लिए, गोली दे करके मतलब समझ घुमा के बात पूछने वाली, तो वो पूछ लेगा ट्रेवर पर, ट्रेवर के सो तरीके है। ओके जेनिफर बोलो क्या करें, पूरा शहर का नज़ारा देखते हैं यहाँ पे से आ जाओ, और क्या कर सकते हैं क्योंकि माउंट सेट पर आप कुछ नहीं है, यहाँ पे बेंच लगा देते तो बैठ करके नज़ारा देख लेते हैं, वैसे काफ़ी अच्छी एरिया है, टाइम स्पेंड तो हो जाएगा। देखो कितने टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। फाइनली चलिए बाइनोकुलर को ऑन करते हैं, जेनिफर उस तरफ चली गई है फिलहाल, तो मैं इस तरफ आ गया हूँ। तो ये गंदी होकर के रखी है, ऐसे ही फ्री में $1 ले रहे हैं ये शहर वाले बंदे, और साफ सफाई कौन करेगा बे, $1 में दिखता है नज़ारा आपको, देखो कैसे लगे नमूने, तो यहाँ पर तो ये काम होता ही रहता है। तो ठीक है चलिए, तो फिर नज़ारा देख लिया है मैंने, तो इस तरफ से इस तरफ देख नहीं सकते। ओके जेनिफर कहाँ चल गई, एक सेकंड लगता है उसने देख के ख़त्म कर दिया। ओके जेनी तो फिलहाल कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा कुछ जूम नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो बताओ अब और क्या क्या प्लान्स है तुम्हारे। इसने बोला प्लान्स वैसे आज तो कुछ नहीं है, तुम बताओ तुम आज क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं तो फ्री रहता हूँ, मैकेनिक हूँ, अब आज काम नहीं है कुछ, मालिक ने बोला आज फ्री है, छुट्टी है मेरी तो मैं छुट्टी भरूँ, बताओ तुम्हें क्या करना है। तो फिलहाल ये बोल रहे हैं कि ठीक है अगर कुछ प्लान बना तो मैं बताऊँगी, तो मतलब कि इसने बस वैसे ही पूछा मुझसे कि मेरा प्लान क्या है, मैंने बोल दिया आज कुछ नहीं है, तो इसने बोला ठीक है अच्छी बात है, अगर कुछ काम होगा तो मैं ज़रूर तुम्हें बुलाऊँगी। चलो फिलहाल अब तुम मुझे घर छोड़ दो, थोड़ा टाइम और यहाँ पे स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम घर निकल लेंगे। तो जेनिफर को घर छोड़ दो, मतलब कि देखा जाए तो उसने थैंक यू मुझे बोल दिया, हमने कॉफ़ी पी थोड़ा घूमे। अब कितना टाइम जाएगा, देखो मैंने फिर बोला जब तक हमारा प्लान पूरा अच्छे से काम नहीं करेगा, जब तक हम इसको पूरा बोतल में नहीं उतार लेते, और बोतल में उतरेगी कब, जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेगी, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेगी ड्राइवर को पसंद करती है, जब तक मज़ा नहीं आने वाला। खैर देखते जैसा होगा पता लग जाए। जेनिफर को मैंने घर छोड़ दिया है, इतनी कमाल की बात है बताइए। देखो मुझे लगता है शायद से ड्राइवर को पसंद करती है, देखो बहुत बार फर्स्ट मीटिंग में इंसान पसंद आ जाता है, बट वो बात है कि एकदम से पूरी बात नहीं हो पाती खुल करके कि आई लव यू वगैरह वगैरह, जो भी होती है बाद की बात है, बट पसंद तो थोड़ा वो ट्रेवल कर रही है ऐसा मुझे लग रहा है। पक्का नहीं है भाई, देखो फर्स्ट मीटिंग में ज़्यादा भी कुछ नहीं होता, बट हाँ इतना तो हो गया है कि ट्रेवल इसको अच्छा लगने लग गया, तभी तो इसने ये बात मेरे को बता दी है। इसने बोला कि मेरे को ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके, ज़्यादा क्या मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है, अगर हो भी तो मुझे याद नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो इसने बोला कि एक साल पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें ना मेरी मेमोरी चली गई थी,
और मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मेरे पापा ने बहुत उस टाइम मेरी केयर करी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर भी हो पा रही हूँ। एक साल पहले एक्सीडेंट की वजह से इसने मेरी याददाश्त खो दी है, कुछ भी याद नहीं है, एक 0% चीज़ भी याद नहीं है। बोल रही है कि इसलिए मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स भी याद नहीं है, उनका कुछ ना फोन आता, कभी कोई ना मुझे कॉन्टैक्ट करता, मेरा रूटीन बस ये सुबह मैं उठती हूँ, यहाँ वहाँ पर जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ एंड बस पापा के बिजनेस को देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, और उसके अलावा क्लब वगैरह में चली जाती हूँ और फिर घर पर यही रूटीन है मेरा, ना मुझे कोई कॉन्टैक्ट करता एंड ना मैं किसी को कॉन्टैक्ट कर पाती क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। तुम बहुत टाइम के बाद, पूरा एक साल के बाद कोई मेरी लाइफ में आया है जिसने मुझसे बात करी एंड ये हादसा हुआ मेरे साथ में और उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है जेनिफर की कहानी, उनके दुख हुआ यार, दिमाग तो है बट दिमाग में मेमोरी नहीं है, एक साल से मतलब कि एक साल तक ही याद है इसको, बस जो कुछ याद है उससे पहले से कुछ याद नहीं है, कौन है, कैसे कैसे बड़ी हुई है, मोम का फेस भी याद नहीं इसको, इसकी मम्मी कैसी दिखती थी फिलहाल वो नहीं है बट अच्छा है चलो जो भी है। तो इसलिए इसने बोला कि इसलिए मैंने तुमसे बातें करी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है भाई बात करने के बाद, इसको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आज तक कभी इसने ज़्यादा किसी से बात नहीं करी क्योंकि इसके पापा किसी से मिलने नहीं देते क्योंकि माफिया की बेटी है, कभी कोई अटैक कर दे और बेचारी बाहर ज़्यादा जा नहीं पाती, कोई दोस्त बन नहीं पाते, इसलिए तो मुझसे एटीट्यूड में बात करी थी इसने। तो बट फिर इसने जब मुझसे बात करी थोड़ा डाउन टू अर्थ आकर के, एटीट्यूड को अलग रख के, ईगो को अलग रख के, तो इसको अच्छा लगा, एक साल बाद किसी इंसान से अच्छे से बात हुई है इसकी, बहुत बढ़िया। तो अब समझा मैं इतनी क्यों उतावली हो रही थी मेरे को यहाँ पे लेकर के जाने के लिए, इतना ज़्यादा एक्साइट थी कि मेरे को यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, चलो वहाँ पे घूम करके आते हैं मेरी फेवरेट जगह पे, ये है वजह सच्ची में यार। हम लोग भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, मैंने सोचा कि भाई अब तो उतर गई बोतल में कुछ नहीं उतरी, बस बेचारी को अच्छा लगा, ये है मेन पॉइंट, क्योंकि कोई कुछ मिला इसको इतने साल बाद। मेरे पास मेरे इक्लिप्स वाले बॉस का फोन आया, बोल रहा है कहाँ पर हो तुम, जो कुछ भी कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, इसी वक्त तुरंत मेरे पास आ जाओ, तुमसे मिलना है मुझे बहुत ज़रूरी, जल्दी आ जाओ बेटा, ऐसा बोला। मैंने बोला बेटा होगा तेरा, बेटा मुझे बेटा क्यों बोल रहा है, तो बोल रहा है फ़ोन पर नहीं बता सकता सारी बात, जल्दी आ जाओ। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। एक्लिप्स का बॉस पता नहीं यार एकदम कैसे क्या क्यों फ़ोन कर रहा है, अभी इसको क्या बोलूँ भाई, एक दिन में थोड़ी लड़की बोतल में उतरी, कैसा अजीब इंसान है, मतलब एक दिन में चीज़ तो सारा काम, आज पहली मीटिंग हुई थी कल लड़की से, आज इसको घुमाने ले गया हो तो एक दिन में कैसे पहुंच चुका हूँ जगह पर। चलिए भैया एक्लिप्स के बॉस से बात कर लेते हैं, क्यों परेशान है। हाँ जी भैया जी कैसे, अरे क्यों परेशान हो यार आप, मतलब इतनी स्पीड से, देखो इतनी स्पीड से कोई बोतल में नहीं उतरता, लड़की है वो, कोई रोबोट नहीं है, प्रोग्रामिंग कर दो और ड्राइवर से प्यार करने लगेगी, 2-4 दिन 10-20 दिन 1 महीना कम से कम साथ घूमेंगे, बातें शेयर करेंगे, तभी तो बंदे को लगाव होता है ना, जब इंसान इंसान के पास रहता है तब उसकी केयर करना शुरू करता है, एकदम एक दिन में कुछ नहीं होता भाई, इतनी जल्दी मत करो, अगर काम कराना तो मैं टाइम लूंगा, नहीं तो किसी और से करा लो। कुछ मत करो बेटा, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सब कोई काम नहीं कराऊंगा, मेरी पूरी बात तो सुनो बेटे, पूरी बात तो सुनो, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तुम्हें पहली नजर में देख करके कुछ लगा था, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, अंदर से फील तो आ रहा था पर कैसे कहता, बोला बिल्कुल, जब पता लगा मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है बेटे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, तुम मेरे वही बेटे हो जो खो गए थे, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो, तुम ड्राइवर मेरे बेटे। एकदम से चाचा जी ने वक्त बदल दिया, जस्ट बात बदल दिए, ड्राइवर इक्लिप्स माफिया के बॉस का बेटा, ये सब मेरा मतलब के मेरा एम्पायर है भैया, ये हजम करने में थोड़ा टाइम चाहिए, पूरी बात क्या हुई मैं आपको गाड़ी में चलते चलते बताऊंगा, ड्राइवर ने भी टाइम मांगा कि मुझे टाइम चाहिए, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए भाई, सीधी बात, इतना बड़ा झटका किसी को मिलेगा तो बंदा थोड़ा अकेले में सोचेगा, पूरी बात पता है क्या हुई है, इसने बोला मैं एक बार बचपन में कहीं पर गया था, अबे सो सॉरी नमूने, इसने बोला बचपन में ही अपने बेटे के साथ में गया था एक जगह पर मॉल वगैरह में, तो वो 3 साल का था इसका बेटा, और उस मॉल में हादसा हो गया था जिस वजह से मतलब मेरे ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद में मैं बचा नहीं पाया बेटा तुम्हें, पर मैंने उस वक्त आके देखा तुम गायब हो गए, और वहाँ पर हमें कुछ डेड बॉडी मिली बच्चों की, मॉल था, मॉल में क्या होता कोई और मर गया हो तो इसने सोचा इसका बेटा मर गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद आज कहीं से इसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं इसका बेटा हूँ, और वो ऐसे कि क्या ही मैं बोलूँ, दरअसल ये मेरे बैकग्राउंड को पता कर रहा था, इसने देखा कि आखिरी ट्रेवर आया कहाँ से है, कौन है, क्यों मैं मतलब कि इन्फॉर्मेशन तो निकालनी सही होती है ना भाई, क्योंकि मुझसे काम करा रहा है बहुत टाइम से, तो इसने सोचा मैं कुंडली निकालता हूँ, तो कुंडली निकालते निकालते इसको पता लगा ट्रेवर के जो ये मोम डैड आजकल जो ट्रेवर के है वो असली नहीं है, उन्होंने ट्रेवर को गोद कर लेके रखा जब ट्रेवर 4 साल का था। तो उसके बाद में उस वाले ऑर्फनेज का पता लगा, अनाथ आश्रम का जहाँ पर ट्रेवर था, जब भाई सीधी सी बात है मान लो 3 साल का मैं आता हुआ तो 1 साल बीच में गैप ट्रेवर अनाथ आश्रम में रहा, तो इसने उस अनाथ आश्रम के बारे में पता किया,
पता करते करते पता लगा कि ये ड्राइवर एक हादसे का शिकार हो गया था 1 साल पहले, जहाँ पर एक मॉल में आग लग गई थी। फिर उसके बाद में उसके पापा ने अपने रिसोर्स को थोड़ा और यूज़ किया, ऑर्फनेज से कॉन्टेक्ट करे, तो इसका असली नाम तो पता नहीं लगा। देखो 3 साल का बच्चा अपना नाम तो नहीं बता पाएगा, बट असली पहचान और असली नाम कैसे पता लगा? इसके एक छोटा लॉकेट था जो कि खानदान की निशानियाँ दे के रखते होंगे। तो अनाथ आश्रम वाले बंदों को इसके गले में मिला था, जब इसको लिया था, अडॉप्ट करा था बंदों ने, अपने अनाथ आश्रम में लेकर गए थे, तो उस वक्त लॉकेट इसके गले में था और वो उनके पास ही था, क्योंकि बच्चा था, इससे निकाल के उन्होंने रख लिया कि जब भी ड्राइवर बड़ा होगा या फिर जो कुछ भी होगा उसको दे देंगे। बट जब 1 साल के बाद में इसको अडॉप्ट करा किसी ने, तो वो लॉकेट अनाथ आश्रम वाले ड्राइवर को देना ही भूल गए और वो ड्राइवर के प्राइवेट लॉकर में आज तक रखा रह गया। उसके बाद अब वो लॉकेट का फोटो इसके पापा के पास आज आया, तो कहने की बात है इसके पापा का दिमाग घूम गया कि तो मेरे खानदानी लॉकेट है और ये तो मेरे बेटे के गले में था, तो इसका मतलब ये मेरा बेटा। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। तो ड्राइवर तो खानदानी अमीर है, मैंने कहा था ना आप लोगों से इस एपिसोड में एकदम वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। ड्राइवर लॉस सैंटोस की है और ऊपर से एक माफिया का बेटा भी है, तो अब मज़ा ज़्यादा आएगा। तो ड्राइवर को ना बड़ी चीज़ हजम नहीं हुई कि यार मैं तो बचपन से कुछ और बंदों के साथ रहा, क्योंकि देखो 4 साल के बच्चे कुछ याद नहीं रहेगा, 1 साल अनाथ आश्रम में रहा बेचारा, उसके बाद अडोप्ट कर लिया किसी ने। ड्राइवर को आज पता लगा कि इसके जो माँ बाप है वो इसके बाप है ही नहीं। अमेजिंग। और ये इसका असली पापा है। अगर वो लॉकेट आज भी ना मिलता ना अनाथ आश्रम में और इसके पापा को उसका फोटो नहीं आता लॉकर में ना होता, तो क्या पता कभी पता ही नहीं लग पाता कि ड्राइवर इक्लिप्स माफिया के बॉस का बेटा। वाह भैया वाह, अरे कमाल हो गया ड्राइवर बेटे, अब तो नेता बना देगा ड्राइवर लॉस सैंटोस के सही माफिया वाले बंदों का, क्योंकि अब तो वही करेगा ड्राइवर अपना बनाने के लिए। जब तो कुछ भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो बैक है अपनी ड्राइवर की ऑफिशियल, पीछे एक माफिया का बेटा है खुद का। अब ऐसा नहीं है कि ड्राइवर बाहर वाला और गरीब मकैनिक है, अपना तो लेवल ही बदल गया भाई साहब, मज़ा हो गया। और ये नहीं सोचा था यार, बहुत बढ़िया हुआ। देखो फील अच्छा भी हो रहा है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि एकदम से कैसा हो गया, बट एकदम से क्या हो गया पता ही तो लगाया भी नहीं, तो बेटा तो पहले से ही था। तो कितनी अच्छी किस्मत काम करी है, कहाँ से कहाँ गई ये स्टोरी। मतलब ट्रेवर लॉस सैंटोस में आया किसी वजह से, एक हादसे की वजह से, और फेम अपने पापा के सामने आया हादसे की वजह से, और इसका पापा ही वो निकलेगा क्या, कौन जानता था। ड्राइवर तब घर जा रहा है, रिलैक्स करेगा, दिमाग शांत होगा, सोएगा, कल वल देखेगा, फिर सारी चीज़ जो भी है। ड्राइवर निकलो रेस्ट करो, बाकी बाद में देख लेंगे। मज़ा आ गया भाई, मज़ा। ड्राइवर घर पर पहुंच चुका है एंड जो भी है इसने अभी तक ये बात किसी को शेयर नहीं करी, तो वो बात देख लेंगे, क्योंकि अभी खुद भी तो कन्फ्यूज़ है थोड़ा सा कि एकदम से कैसे हो गया यार, अब तो ये कुछ काम भी नहीं कराने वाले इक्लिप्स वाला बंदा, अब इसने सब कुछ ड्रॉप कर दिया कि जरूरत नहीं अब तुम्हें कुछ भी इस लड़की के चक्कर में पड़ने की, मैं कुछ और देख लूँगा, मैं अपने बेटे को सताऊंगा नहीं और परेशान नहीं करूँगा। मतलब बहुत बढ़िया, बेटे को तकलीफ नहीं देगा। नमूने ड्राइवर को वैसे बड़ा परेशान किया था इसने, तो ये बोल रहा है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो दुख भी दिया बहुत, इसने बहुत सारी बातें बोली थी कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को परेशान किया, तुम्हारे पर गन पॉइंट करी, तुम्हें धमकी दी मारने की, बट मुझे पहले ऐसा पता होता तो मैं भूल कर भी ऐसा नहीं होता बेटा। मैंने बोला चिंता मत कीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ। वाह भाई वाह, ड्राइवर अनाथ आश्रम में रहा बेचारा 1 साल तक, बचपन में हादसे में अलग हो गया था पापा से, मॉल में अटैक हो गया था, सीधी सी बात है, तो उसने अपनी जान बचाने के चक्कर में थोड़ा छुपा, बेटे को अलग जगह छुपा दिया, बट जब तक आया वापस वहाँ पे बेटा था ही नहीं, बॉडी मिली उसको चली हुई किसी की, तो ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं। फिर कोई इसको ले गए और अब इसको पता लगा, अच्छा उसने मेरी कुंडली निकाली यार, माफिया के सोर्स होते हैं तो माफिया ने अपने सोर्स से पता किया सारी चीज़ें, और पता करते करते बेटा ही निकल गया। वाह, पूरा ट्रायर फ्रेश हो चुका है एकदम, पूरा 5-6 किलो। अरे ट्रायर भाई ऐसी जी कैसे चीज़ देख रहे हो, तो कहने की बात ये आगे निकलते हैं। ट्रायर भाई ने बिल्कुल फ्रेश हो गया, सुबह सुबह उठते ही नहा भी लिया एंड हो भी गया हल्का, ठीक है चले निकलते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, सुबह का टाइम हो चुका है। देखो यार ये चीज़ें करनी पड़ती है, नेचर स्कूल है, कोई भी इंसान दुनिया में कितना ही सुंदर हो कितना ना हो जो भी है, मतलब अगर इंसान है या कोई भी जीने वाली चीज़ है, तो ये फालतू चीज़ करनी पड़ेगी उसको, नेचर है यार, ये बनाया ऐसे गया इंसानों को। आगे निकलते, तो ट्रेवर भैया आगे निकलो गाड़ी लो, एंड पापा का फ़ोन आया सुबह सुबह, अब तो पापा ही बोलेगा। पहुँच चुका हूँ पापा के पास में एंड चले देखते भैया अब क्या होगा क्या नहीं होगा। खुशी तो मिली है बहुत ज़्यादा, अब प्रॉपर्टीज़ कितनी मिलेगी क्या क्या मिलेगा देखने वाली बात है यार। ड्राइवर तो एकदम वो कहते हैं फ़कीर से एकदम कमाल ही बन गया था, तो अभी तक तो रोड था, रोड पे था, करोड़पति हो गया रातों रात कुछ ही वक्त में। अब किस्मत अच्छी हो तो भाई कुछ भी हो सकता है। हेलो जी पापा जी, तो बुलाइए क्यों, बताया मतलब कि क्यों बुलाया आपने मुझे, बताइए क्या काम था, ज़रूरी काम हो तो बोलिए। ये बोल रहे बेटा अभी एक जगह पर लेकर के चलना है, देखो तुम डाउट मत करो मेरे ऊपर, मैं सच में तुम्हारा पापा हूँ, अगर तुम भरोसा नहीं है मैं तुम्हें चीज़ें दिखा सकता हूँ, तुम्हें एक जगह पे भी लेकर के चलना है बेटा, क्योंकि बहुत बुरी सिचुएशन आकर के रखी है, मेरे खबरों ने खबर दी है कि
माफिया बहुत बुरे बुरे काम कर रही है और हम लोग सबसे नीचे हैं और दब सकते हैं। इक्लिप्स माफिया को ज़्यादा ऊपर नहीं है मैप पे भी, आपने देखा होगा बहुत छोटा सा एरिया इनके पास में। फिर बोल रहे हैं बेटा अच्छा वो सही वक्त पर तुम मुझे मिले, अब मेरा बेटा इतना दिमागदार है और मुझे सपोर्ट करेगा ऐसे टाइम पर, मज़ा आएगा। तो मैंने बोला पावर ठीक, चिंता की बात नहीं है, बताइए कहाँ पर चलना था, किसे डील करनी है, जो कुछ करना है मैं कर लूँगा। तो ठीक है, ये मेरे को सबूत भी दिखाएगा सभी चीज़ों के कि यही मेरा पापा है नहीं है, और ऊपर से ये स्ट्रेटजी बनवाएगा। ये बोल रहा है कि अभी हम रुक नहीं सकते ट्रेवर इमोशनल हो करके, हम पापा बेटे बहुत अच्छी बात है बट मुसीबत को भी तो देखना है ना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मुसीबत बहुत ज़्यादा है यार इस बंदे के ऊपर, छोटी माफिया का बंदा है, कॉन्टैक्ट ज़्यादा फैला के रखे हैं और दिक्कत हो जाती है फिर कभी। पापा बेटे दोनों बैठ करके निकल पड़े गाड़ी में, बोला बेटा मेरे साथ चलो मेरी फेवरेट कार में। मैंने बोला अच्छा लिमोजिन आपकी फेवरेट कार है, तो ठीक है पापा बैठे हुए आराम से तो ले करके जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, मतलब बंदे ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, जो ऐसे ही पता लगा बेटा है सीधा बिजनेस में उतार दिया, काम में उतार दे सीधा कि बेटा माफिया बड़ी डाउन जा रही है आजकल, यहाँ वहाँ से कोई और प्रेशर करता है, हमारे बंदों को मार डालता है, बहुत हमारी पावर कम हो रही है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेटा तुम सही समय पर आ गए, तुम चिंता मत करो हम मिल करके सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, और तुम शक मत करना मैं तुम्हारा पापा सबूत दिखाऊंगा। मैंने बोला सबूत की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, क्योंकि जो इसने बोला सब सच है यार, मैंने वेरीफाई कर लिया एलेक्स से, जो इसने बोला सब सही है। एलेक्स बोल रहा है कि ट्रेवर मैंने पता कराया सच्ची में तुम्हारे मोम डैड ने तुम अडोप्ट करके रखा तुम 4 साल की उम्र में, जो इसने बोला मैंने वेरीफाई कर लिया था कल ही रात में अपने घर पर बैठ करके, एंड बंदे ने सब कुछ सही बोला, तो हमें कोई प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, जो बोला गया सच बोला गया। एंड देखते हैं अब ये कहाँ लेकर के जा रहा है, कुछ अपने मिल्स के बारे में मुझे बताया, कुछ सीक्रेट बताएगा या फिर जो भी कुछ बताएगा वो तो देख लेंगे। अब यार देखो हमारी माफिया एक तरीके से पापा की माफिया, ट्रेवर की माफिया, तो अब इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। एक्लिप्स वाला बंदे को इतनी बड़ा स्टैचू मैंने दे दिया, अब लगता है असली देना पड़ेगा, तो उसको लेने के बाद भी इसको परेशानी दूर नहीं है। सीधी बात है यार, ये 9 नंबर पे या 10 पे आता है बेचारा 12 में से, तो इसलिए बहुत परेशान है कि हम बहुत नीचे की तरफ आते हैं, कोई भी हमारा माल लूट लेता है और हम पकड़ भी नहीं पाते किसने सारा काम किया, नुकसान में नुकसान होता है, हर हफ्ते हमारे 4-5 गैंग के मेंबर मर जाते हैं और मैं पता भी नहीं कर पाता किसने मारा, तो सिचुएशन बुरी है बेचारे की। खैर कोई बात नहीं, अब ड्राइवर आ गया सब कुछ सॉल्व कर लेगा, अब बनेगा ड्राइवर इस लॉस सैंटोस का नया गॉड फादर, चाहे कितना कोई मारना पड़ जाए। पापा जी आप चिंता मत करो। ड्राइवर के पापा ड्राइवर को लेकर के पहुंच चुके अपने सीक्रेट वॉल्ट वाले एरिया पे, एंड बोल रहे कि ड्राइवर बेटा यहीं पर मैंने अपना प्राइवेट अकाउंट बना करके रखा हुआ है, मेरे को एक प्राइवेट वॉल्ट भी मिल करके रखे यूनियन वालों की तरफ से। मैंने बोला बढ़िया जी, तो यहीं पर है इनका कुछ प्राइवेट एरिया जो प्राइवेट सामान ही रखते हैं यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पर कोई एक बॉक्स है। ओके तो बाबा क्या है इस चीज़ में, क्या चीज़ आप बताना चाहते हो मेरे को, ऐसे ही बता देना बोल करके क्या दिखाना चाहते हो, तो देखते भाई क्या क्या दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे वो देख लेंगे। पापा से बातें हो गई है, पापा ने बॉक्स दिखा करके कुछ चीज़ें भी दिखाई, 10 मिनट हो गए इस बात को। बोले कि बेटा बस ये समझ लो इक्लिप्स की जान है, इसमें एक तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स भी है, मतलब कि मैं किन किन बंदों को जानता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम बिजनेस को आगे बढ़ा सको और उन्हीं बंदों से डील करके थोड़ा और माफिया को इम्प्रूव कर सको। इन्हें मेरे क्लाइंट लिस्ट है किन किन से मैं डील करता हूँ, किन किन को मैं ड्रग्स बेचता हूँ, किन को गोल्ड बेचता हूँ, जो मेरा अपने सारे काम करता हूँ, और कितने बंदे मेरे लिए काम करते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ है, इसमें सारा हिसाब है इनका वगैरह वगैरह, और ये भी चीज़ का हिसाब है कि किस किस का कहाँ पर और भी माल रखा है और दूसरी माफिया का, एंड मतलब जिनको भी जानता है और कैसे उनका माल लूटना है, अपकमिंग स्ट्रेटजी उसने बना के रखी है, सब इसने मेरे को बता दिया। बोल रहा है कि बेटा हम कल से काम शुरू करेंगे और दूसरे माफियाओं को लूटेंगे जिससे उनका माल अपने कंट्रोल में आएगा एंड सारी की सारी चीज़ें। तो मैंने बोला ठीक है पापा, है तो बड़ा शैतानी आइडिया आपका बट सही बात है, एक माफिया जब भी ऊपर जा सकते हैं दूसरे को ख़त्म करे, तो इनका यही एक प्लान है कि जितनी 12 माफिया घूम रही है इसके अलावा 11 जो है ये बोल रहा है उन 11 को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उन्हें कमजोरी ढूंढ करके, जिनमें से एपेक्स तो हमारे कंट्रोल में आ ही जाएगा, उस लड़की को हम कर लें कुछ ना कुछ कंट्रोल करके, और उसके बाद उनकी सभी की पावर्स हमारी और हम बनेंगे इस माफिया के गॉडफादर इस लॉस सैंटोस के। मैंने बोला ठीक है पापा जैसा आपको, तो ठीक है चलिए इन क्लाइंट्स की लिस्ट को पढ़ता हूँ, इनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, इनको बुलाता हूँ अपने पास में, एंड देखते हैं कि आखिर क्या कर सकता है ड्राइवर, इक्लिप्स माफिया को कितने ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं। ड्राइवर के पापा ने बोला नहीं ड्राइवर बस यही था, बाकी तुम याद कर लो बेटा अच्छे से, मैं तुम्हारे फ़ोन पर सारा डाटा भिजवा दूंगा, और अगर तुम्हें कभी यहाँ पर कोई सीकेट चीज़ रखनी हो ये जगह मुझे इसलिए दिखाइए ताकि मैं यहाँ पर अपने कोई सेफ जगह चीज़ रख सकूँ, क्योंकि बहुत ही सेफ एरिया है यहाँ पर, कुछ नहीं हो सकता कभी भी अटैक नहीं हो सकता। फिर इन्होंने बोला हमेशा यहीं पर रखना। मैंने बोला पापा चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपका बेटा सब संभाल लेगा, अब आपकी चिंताएं मेरी है, मैं अभी तो देखो कौन कौन सा माफिया आपके बंदों को मारता है, हमारा माल चुराता है, इनका तो मैं नेता बना दूंगा, आ जाओ कहाँ पर रह गए। तो ठीक है निकलते वापस घर पर, फिलहाल हम लोग बस पहुँचने वाले थोड़ी देर में। ये बोल रहे हैं कि ड्राइवर बेटा बड़ी खुशी मिल रही है, मैं सोच रहा हूँ कल पार्टी करते हैं और सभी 12 के 12 माफिया वाले बंदों को
हम लोग दिखाते हैं कि मेरा बेटा वापस आ चुका है, और उसके बाद में उनको खौफ होगा, मेरा भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं सबसे कमज़ोर माफिया में आता हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, बट उसके बाद फिर सबको पता लग जाएगा कि मेरा एक वारिस भी है जो उनका नेता बना सकता है उनको, क्योंकि जो बंदा माफिया की आंखों में धूल झोंक सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लोग स्टैंडर्ड सब माफिया से डरते हैं, ड्राइवर मतलब माफिया बोल रहा हूँ आर्मी से, सब आर्मी से डरते हैं, बट तुम आर्मी को बेवकूफ़ बना करके वो स्टैचू मेरे पास लेकर के आए हो, आज तो ठीक बोल रहे हैं, तो ठीक है चलिए देखते क्या हो क्या नहीं होगा। वैसे मेरे को बहुत खुशी है यार, अब हमें न तो एलेक्स के लिए जॉब करने की जरूरत, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैकेनिक की कोई जरूरत नहीं है, अब ये सारा पैसा पापा का जो इसको डबल करके ट्रिपल करके थोड़ा डार्क सिटी में लगाएंगे, थोड़ा यहाँ लगाएंगे, और तभी तो बिजनेसमैन बनेंगे। मैंने बोला ड्रेवर बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है जिसमें तरक्की करेगा, बहुत सारे काम करेगा, इतना ही नहीं लोस संडे का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। हेलो जी एक्शन, गाड़ी रोक, क्या चल रहा है ये, हेलो बे क्या ड्रामा है, पापा जरा गाड़ी में रहना, उतरना मत बिल्कुल भी, मैं एक सेकंड अभी आया। किसने गन पॉइंट करी, ये कौन सी माफिया, ये आउटफिट तो देखा नहीं है, गोल्डन वाला देखा है, इक्लिप्स का देखा है, एपेक्स का है, बाकी और बंदों को देखा, बट ये कोई माफिया में नहीं है, ये लोकल माफिया है, क्योंकि इनके पास टी शर्ट रैंडम है, लोगों वाली नहीं है। देखो बेटा बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, सच बता रहा हूँ, नेता बना दूंगा, क्या कर रहे हो यहाँ पर बताओ, बंदे बोलने को तैयार नहीं है, पूछ लिया तो लगता है पिस्टल निकाल करके पूछना पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, बता दो मेरे को किसने मेरे पापा को या मेरे को मारने की सुपारी दी है, मुझे मारने आए हो पापा को मारने आए हो, बता दो बेटा, नहीं तो इतना बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ में, समझ में आ रहा है ना, लगता है बोलने वाले नहीं है यार, ये गनपॉइंट मुझे कर रहे हैं, पापा को कर रहे हैं, हाँ समझ नहीं आ रहा, हेलो ड्राइवर ब्रो पापा को गनपॉइंट कर रहे हैं, शायद से मुझे नहीं कर रहे, ऐसे लगता है मुझे। अरे भाई साहब नमूनो, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, कमर तोड़ दूंगा मैं इन सभी की, यार दो पल की खुशी मिली, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, किसने क्या तुम लोगों ने गाड़ी में बम लगाया था क्या, अरे यार ड्राइवर के पापा नहीं रहे, बट एक तरीके से अगर एक दूसरे पहलू से सोचा जाए, दूसरे नजरिए से, तो मैं बच गया, अगर मैं गाड़ी में होता तो मैं ही मर जाता, गाड़ी में बम था, गाड़ी में बम था, इक्लिप्स गैंग का बॉस और ड्राइवर का पापा, अरे यार हद हो गई यार, सारा मूड खराब हो गया, इतनी अच्छी खुशी मिली थी सही में यार, मैंने सोचा था अब कहानी में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ड्राइवर तो पापा का, क्योंकि ड्राइवर को इसके पापा मिल गए, अनाथ था, सीधी साधे स्टोरी वेरीफाई कर ली हम लोगों ने, कोई झूठ नहीं था बेचारे का, एंड मतलब बुरा हो गया, देखा जाए तो सारा काम ख़राब हो गया। मैंने सोचा था अब इस माफिया का यूज़ करके हम बहुत ऊपर जाएंगे, पापा बहुत सपोर्ट करेंगे, मेरे को बताएंगे, बंदों से मिलवाएंगे, पर कल पार्टी देने वाले थे और सारा का सारा प्लान ख़त्म, रखा का रखा रह गया, सब कुछ बेकार हो गया यार, हद हो गई, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, इनका तो मैं नेता बना दूंगा, कौन सी माफिया से आए थे, कौन थे वे तुम लोग, देखो ड्राइवर तो बच गए इस बात की खुशी तो है, बट दूसरी बात दुख भी तो है ना, गाड़ी में बॉम्ब लगाया किसी ने, मुझे मारने के लिए पापा को, मुझे नहीं पता बट बुरा होगा, फ़ोन करता हूँ बंदों को कि पापा नहीं रहे, हादसा हो गया, ड्राइवर का गुस्सा, ड्राइवर को क्या ही बोले, मतलब ड्राइवर दिखा नहीं रहा गुस्सा, ड्राइवर के अंदर बहुत ज़्यादा आगे रखा हुआ है, गोली का निशान भी साफ नहीं किया ड्राइवर ने अभी तक, बस गाड़ी पर ऐसी उदास होकर के बैठा है। अब ये मालिक है इस घर का, सीधी सी बात है, क्योंकि सबको पता है, ये जितने काम करने वाले बंदे पूरे इक्लिप्स माफिया को पता है कि ड्राइवर हमारे मालिक का बेटा है, एंड ये अभी अभी पता लगा है मालिक को, बाकी गैंग्स के मेंबर भी आकर के रखे यहाँ पर, सामने कॉफी में बॉडी है ड्राइवर के पापा की, एंड उदास तो है वो, कुछ नहीं बोल रहा, सामने वाले बंदों में चर्चा चल रही है, ड्राइवर को सुनाई तो दे रहा है कि देखो ये अपना इक्लिप्स के बोस जो थे ना, ये उनका नया बेटा है, नया नहीं मतलब पुराना बेटा जो बहुत साल पहले मर गया था वापस आ गया, ये बातें चल रही है, तो बहुत से बंदे बोल रहे हैं दिखने में खूखार कर लग रहा है, बहुत से बंदे बोल रहे हैं तो बच्चा लग रहा है, कोई जगह पढ़ने वाला इसको तो ऐसे मसल देंगे, अभी इक्लिप्स माफिया ख़त्म हो गई, बोल रहे हैं कि माफिया ख़त्म इक्लिप्स, क्योंकि पापा मर गए तो ड्राइवर कुछ कर नहीं पाएगा। बेटा तुम्हें पता नहीं है ड्राइवर खोद के निकालेगा पहले तो उसको जिसने काम किया है, एंड उसके बाद में तुम्हारा नेता बनाएगा, कमाल चल रहा है यार, ड्राइवर भैया उदास मत हो यार, सच्ची में किस्मत इतनी बुरी है कि खुशी आई सिर्फ दो पल के लिए, अरे क्यों आई, किसी ने बुलाया था, अरे दूर से निकल जाती, हम तो जैसे चल रहे थे ऐसे ही बढ़िया था, क्यों बताया मुझे कि ड्राइवर तुम मेरे बेटे हो, एक दिन बाद ये मर जाता बंदा जो भी है, ना बताता तो मेरा अच्छा तो रहता, अब हमेशा दुख रहेगा कि पापा मिले भी और टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, एक ही दिन में मर गए, बहुत बुरा हुआ। देखो माफिया के बंदे आएंगे अभी यार, क्योंकि फ्यूनरल है, माफिया मानता हूँ इतनी छोटी नहीं है तो इतनी बड़ी भी नहीं है, बट कुछ बंदे तो जान पहचान के हैं, बंदे आ रहे हैं, एंड वैसे ही 12 गैंग के मेंबर तो आपस में बनती नहीं है, कुछ की बनती है तो कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, बट बुरा हुआ, वैसे सारे आएंगे वो तो बंदे, क्योंकि मरने वाले जो होते हैं मरने वाले सभी आते हैं, तो ठीक है भैया फ्यूनरल की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में पापा को लेकर के जाया जाए ग्रेवयार्ड में, और उसके बाद में फिर फ्यूनरल कर देंगे, और फिर सोचते हैं, ड्राइवर भाई स्ट्रेटजी तो ज़रूर बनाएगा,
देखो ड्राइवर ऐसे तो नहीं अपने पापा की मौत का बदला छोड़ेगा, करना चाहिए यार कुछ तो, इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा सोचा नहीं था। ड्राइवर डे उनके निशान ना ऐसे छूटने चाहिए कि पूरे लॉस सैंटोस में दबदबा हो जाए। बट ट्रेवर कर भी क्या सकता है, कोई पुराना लाइफ स्टाइल नहीं हमारा कि ट्रेवर सबको मिटा देगा, धीरे धीरे ट्रेवर ग्रो करेगा। बेचारा ड्राइवर नया आया माफी लाइन में, मैकेनिक था यार कल तक, तो मर्डर भी करने अभी शुरू करे रिसेंट में, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट देखते हैं। फिलहाल ट्रेवर सबसे आगे वाली गाड़ी में ही है, वहाँ पर कॉफिन रखा गया, उसी कार में ड्राइवर साथ जा रहा है अपने पापा के। कम से कम थोड़े वक्त के लिए आए लाइफ में, बट अब ये जब तक तो साथ रहना चाहता जब तक ये है, क्योंकि एक बार ग्रे में पहुंच गए फिर तो बस मिस ही करना पड़ेगा इनको। उदास है ड्राइवर बहुत ज़्यादा बेचारा, एंड क्या कर सकते हैं। बेटा गाड़ी थोड़ा आराम से चला, रॉकेट बना के नहीं जाना, आराम से जाना, फ्यूनरल कार है भाई, रॉकेट बना के रखा है तूने, पीछे पूरी माफ़ी आ रही है, मैंने पीछे तो आपको नज़ारा दिखाया नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं पीछे हमारे लिए, मेरे लिए नहीं खैर पापा के लिए, ड्राइवर को तो कोई जानता नहीं है, बहुत सारे लिमोजिन में बंदे, कम से कम 70-80 लिमोजिन से पीछे आए जा रही है, आए जा रही है, आने दो, हम लोग आगे जा रहे हैं और मैं साथ में बैठ के जा रहा हूँ। मैं तो देखो किसी में और था, मैं फ्यूनरल पर अटैक कोई करेगा नहीं करेगा, वैसे फ्यूनरल पर अटैक कौन करता है, कोई नहीं करता, तो ठीक है वक्त जाएगा यार, 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी है जो भी है, दुख तो है, देखो दुख तो दुख ही है, बट अब ड्राइवर रोएगा तो नहीं। मैंने फिर बोला इतना अटैचमेंट नहीं हो पाया क्योंकि आज ही मिले ना पापा, देखो एक दिन में इंसान इतना अटैच नहीं हो पाता, अब दुख तो है यार, देखो पापा थे तो दुख तो होगा। चलिए पहुँचते हैं ग्रेवयार्ड में, अपने फादर से बात हो गई है यहाँ पे लॉस सैंटोस में, इनका ग्रेवयार्ड में मतलब फ्यूनरल यहीं किया जाएगा, डार्क सिटी नहीं लेके जाया जाएगा, तो डार्क सिटी में ड्राइवर रहता है ना कि ये, तो यहीं पर इनके जानने वाले सारे बंदे यहीं पर ये पले बड़े हैं तो यहीं पर ही जाएंगे। फिलहाल अब बस ये आखिरी टाइम बाय बोल दिया है मैंने, बस थोड़ी देर में प्रे होने वाली है, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे एंड काम पूरा हो जाएगा। बहुत बंदे हैं, काफ़ी सारे बंदे हैं, ड्राइवर के पापा ऐसी बात नहीं, छोटे मोटे माफे तो सही बेचारे, काफ़ी बंदे आए हैं, कुछ पीछे आने लग रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, पूरा ग्रेवयार्ड फुल करके रखा हुआ है। फादर फ्यूनरल कराइए, जो बंदे आते रहेंगे आ जाएंगे, बट लेट नहीं करते हम लोग क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, तो फाइनली प्रे करते हैं और उसके बाद बस फाइनल हो जाएगा पूरा ग्रेवयार्ड, फिर ड्राइवर थोड़ा आराम करेगा बेचारा, क्योंकि इतना सदमा मिल गया एक दिन में, पहले तो खुशी मिली और सदमा मिला कि पापा आए, पापा ये है ही नहीं, पहले तो उनके बारे में पता लगा वो असली माँ बाप नहीं है जो पहले है, ये असली है, फिर इन्होंने ये खुशी दे दी और एकदम से एक और सदमा मिल गया, ये मर गए, मतलब क्या चल रहा है यार। फादर शुरू करो भाई, फिलहाल फ्यूनरल पूरा हो चुका है, सही बंदे ट्रेयर को वो हौसला दे रहे हैं, चिंता मत करो ठीक हो जाएगा, हौसला रखो सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत कदम मत उठा लेना, मैंने बोला मैं सुसाइड नहीं करने वाला, गलत कदम मत उठा लेना, मैं नेता बना दूंगा उन सभी का जिन्होंने काम किया है। ड्राइवर ग्रेवयार्ड से आ चुका है बेचारा, अब उदास है क्या कर सकते हैं, घर जा रहा है, फिलहाल अपने पापा के मेंशन पर दोबारा शिफ्ट बाद में हो जाएगा, अभी अपने घर पर ही जा रहा है, जो इसके पापा ने इसको दे के रखा है वो वहीं पर टाइम स्पेंड करेगा, अकेला रहेगा। एलेक्स का फ़ोन भी इसके पास आया, इसने बोला कि एलेक्स उनके मतलब के ड्राइवर से उनके बड़ा दुख हुआ यार, अभी तो पापा से मिला एंड एकदम से सारा काम हो गया। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, बस तू ध्यान दे अपने काम पर, मैं देखता हूँ जैसे भी हो। उसने बोला मैं आऊँगा तेरे पास में, देखो है तो मेरा मालिक था एक टाइम पर, बट फिर भी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी हमारे बीच में, तो आपको बताइए ड्राइवर उसकी हेल्प किया करता था हर वक्त में और काम तो करते थे उसके पास में, तो ठीक है चलिए जैसा भी है, कुछ तो ड्राइवर को करना चाहिए मेरे हिसाब से, बदला तो लेना चाहिए, सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैंने फ़ोन कर दिया ड्राइवर के मतलब के पापा के, बहुत खतरनाक पुलिस वाले थे, दो तीन पुलिस वाले जो है पुलिस की टीम में ही काम करते हैं, बट है इसके पापा के पक्के चेले, खबरी मतलब काम करते गवर्नमेंट के लिए और उस काम को यूज़ करते हैं ड्राइवर के पापा के लिए, मतलब पुलिस में सेटिंग थी क्लिप्स वाले बंदे की, इसकी बॉस की, तो बढ़िया है ना, वो बंदों का बहुत दुख है कि किसी ने बॉस को मार दिया, बताओ गवर्नमेंट के बंदे हो गए उनको इतना दुख हो रहा है। भाई होते हैं कुछ करप्ट वाले बंदे जिनको जो भी उसने लगवा के दी थी सेटिंग से एंड वगैरह वगैरह, ये बात आर्मी को नहीं पता ना पुलिस को पता, तो देखते हैं वो पुलिस वाले क्या हेल्प करेंगे ड्राइवर की। पहुंच चुका हूँ फिलहाल मैं जगह पर, हमारे प्यारे प्यारे ड्राइवर भैया चलिए रेस्ट कीजिए, जगह अच्छी है ड्राइवर के पापा की है, बट अब याद आएंगे वो, खैर अब तो ड्राइवर को ज़्यादा यहाँ पे रहना भी नहीं, अब तो ड्राइवर मेंशन पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रह करेगा, शिफ्ट हो जाएंगे सीधी सी बात है, तो ठीक है ड्राइवर दोस्त बिताओ आखिर पूरी रात माइकल लेस्टर कहाँ पर आज, खैर कोई बात नहीं वो मिलेंगे क्योंकि अभी उनके ऊपर स्टोरी नहीं आई है, अभी फिलहाल ड्राइवर के ऊपर ही फोकस चल रही चीज़ें, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर आज कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके धीरे धीरे बाद स्टोरी माइकल लेस्टर के ऊपर भी जाएगी एंड और भी बहुत सारी चीज़। सुबह का वक्त हो चुका है, ड्राइवर भैया फ्रेश हो चुके हैं एकदम हमारे अमेजिंग वाले एंड पापा के दुख में कुछ ज़्यादा ही फ्रेश हो गए, तो ठीक है ड्राइवर जी इधर आगे निकलिए, नहा लिया हल्का भी हो लिया सारे काम कर लिए, अब सीधा पुलिस वालों का फ़ोन भी आ गया सुबह सुबह, तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ,
तो ठीक है, पुलिस वाले बंदों के पास में निकलते हैं, जाकर के चेक करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकाली है पूरी रात में उन्होंने, कि आखिर क्लिप्स वाले बंदे को किसने मारा, ट्रेलर के पापा को किसने मार दिया। अब क्या वो मुझे ही मारना चाहते थे ट्रेलर के पापा को, ये भी कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में मैं ही बैठा था। बट मेरा किस्मत ये लग गई कि बंदों ने गन पॉइंट करके रखा था कुछ बंदों ने, और मैं उतरा तो मैं बच गया। अब जो भी है वो तो देख लेंगे। पहुँच चुके हुए जगह पर हमारे प्यारे ऑफिसर्स। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा यार बोलो, क्या पता लगा किसने ट्रेवर के पापा को सीधा पहुंचा दिया ऊपर? कौन है, क्यों किया, क्या मेरे ऊपर अटैक होना था, फिर किसने, जल्दी बताओ। ऑफिसर ने बोला, इतना दुख है, वो हमारे पापा के समान थे, उन्होंने हमें पढ़ाई करवाई, फिर माफिया में ज्वाइनिंग करवाई। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ऐसा कौन सा पापा है वे? तो फिर इसने बोला, उन्होंने हर टाइम पर सपोर्ट किया, फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनको कुछ बंदे पुलिस में होने चाहिए, तो उन्होंने हमें पुलिस में ज्वाइन करवाया अपने सोर्स को यूज़ करके, और फिर हम पुलिस में आ गए। हम पुलिस का काम भी करते हैं और तुम्हारे पापा के लिए भी काम करते थे, हमेशा उनको बचाते थे पुलिस से कि यहाँ पर रेड पड़ सकती है, ये ऐसे काम कीजिए वैसे काम कीजिए, और अब वो मर गए। ऐसा लग रहा है सर से पापा का हाथ हट गया हो। मैंने बोला, यार दुख तो मुझे भी है, काम की बात बोलो। ये बोल रहे हैं, पूरा स्पीड से ढूंढ के लेकर के आए हैं इन्फॉर्मेशन, मिडनाइट वाले बंदों ने सारा काम किया है, मिडनाइट के थे वो बंदे, पैसा लेकर के कपड़े बदल के अटैक करने आए थे। तो भाई देखो, मिडनाइट भी एक माफिया है, मिडनाइट माफिया ज़्यादा बड़ी माफिया नहीं है मैप के हिसाब से, मिडनाइट माफिया मैं आपको दिखाता हूँ शायद से, ये वहाँ ये वाली मिडनाइट माफिया है, ये आप एरिया देख रहे हो ये वाली मिडनाइट माफिया है। एंड देखो इतनी है जितनी इक्लिप्स है, इक्लिप्स वाली ये थी बट थोड़ी छोटी, हाँ मानता हूँ ये इक्लिप्स माफिया थी, एंड ये है मिडनाइट माफिया। तो ठीक है, मिडनाइट वालों ने काम किया है। बोल रहे हैं कि कुछ डील चल रही थी तुम्हारे पापा की और मिडनाइट वालों कुछ दिन पहले, उन्हीं ने अटैक करवाया, कन्फर्म हो चुका है, बताइए क्या करना है। मैंने बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब पर खतरा सकता है, मैं देख लूँगा। तो ठीक है, ट्रेवर भैया भी जा रहा है सीधा अपने घर पर, इक्लिप्स वाले मेंशन पर, वहीं पर जाकर के आर्मी को तैयार करेगा, बोलेगा कि बेटा तैयार हो जाओ, अब हम लोग माफिया के ऊपर अटैक करके तगड़े वाला गैंग वॉर करेंगे। क्या चल रहा है, ये वापस पीछे आ गए, वाह बहुत बढ़िया। नहीं भैया, तो कहने की बात है, हम लोग अटैक करेंगे और नीता बना डालेंगे सभी चीज़ों का, अब आएगा तुम बता। चल ट्रेवर भाई, बात हो गई है, बंदे बोल रहे आप चिंता मत कीजिए, बंदे ऑलरेडी हमने रास्ते में निकाल दिए जैसे आपने बोला था। तो ठीक है भाई, दो तीन जगह पर मिडनाइट वाले बंदे मिले हैं, अब कुछ नहीं देखना, अब सीधा अटैक करेंगे, क्योंकि कंफर्म हो चुका है उन्होंने सारा का सारा काम किया है। वे बोल रहे हैं कि हम मिडनाइट वालों को जड़ से मिटा देंगे, उन्होंने हमारे बॉस को मार दिया। फाइनली हम लोग निकल पड़े, और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे प्यारे भाइयों ने रूल तोड़ा है, क्योंकि अपोजिट पार्टी का और हमारा सभी का रूल होता है कि ना वो हमारे काम में ना हम उनके काम में, ना हमारे बंदों को मारे गए ना हम उनको, पर अब रूल टूट गया, तब ड्राइवर को भी कोई चिंता नहीं है रूल की, अब सब बंदे मिटा डालेंगे जो भी कोई रास्ते में आएगा। इक्लिप्स और मिडनाइट का पंगा हुआ है, बाकी को नहीं मारना, क्योंकि हमारे उनसे कोई पंगा नहीं है, अब इन्होंने हमारे ट्रेवर के पापा को मारा है तो अब हम बदला तो लेंगे, सीधी सी बात है, रूल तोड़ा है तो हम भी तोड़ेंगे, आगे निकलिए। नहीं तो रूल बहुत अच्छे से बना के रखा है, सब लोग प्राइवेट काम करते थे, बट आज नहीं होगा ये काम। चलिए ट्रेवर की प्यारी आर्मी, कुछ बंदे आगे निकल गए, कुछ बंदे जाने लग रहे हैं जगह पर, जाकर घर में घुस के मारेंगे, वही प्लान हम लोगों ने बनाया है, पीछे थोड़ी हटेंगे। आ जाओ जल्दी, ऊपर शॉर्टकट है, मैं इधर से निकलता हूँ, कोई बात नहीं, उनको पहुँचते तो मैं उनसे पहले ही पहुँच जाऊँगा, उनके साथ जाऊँगा तो थोड़ा डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, अब आएगा ना असली मज़ा। ट्रेवर द मॉन्स्टर, खैर देखा भी ट्रेवर मकैनिक है बेचारा, तो एकदम से थोड़ा सॉरी तगड़ा हल्ला दिखा देगा। धीरे धीरे बेचारा माफी बन रहा है, एंड धीरे धीरे से लाइन में आ रहा है, मजबूरी में आना पड़ रहा है, सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा ट्रेवर को मॉन्स्टर बनने में। पहुंच चुका हूँ जगह पर, कुछ बंदे पहले से यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आने पर अटैक करेंगे, क्योंकि मैं बॉस हूँ तो मेरी सुनेंगे इंस्ट्रक्शन और उसके बाद ही काम होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, चिंता की कोई बात नहीं है, नीचे जितने बंदे खड़े सबका नेता बना देंगे, बस जरा ध्यान से बात सुनो, सबके सर पे गोली मारना, किसी को जिंदा मत छोड़ना, समझ रहे हो, बदला लेना है पूरा का पूरा तगड़े वाला। आ जाओ जरा जल्दी आ जाओ, देखे तो सही इक्लिप्स ने मतलब क्या अपनी मिडनाइट में इतना दम कैसे आ गया, बताओ यार, मिडनाइट वालों ने फ्री में पंगा कर लिया इक्लिप्स वालों को, ट्रेवर की खुशी एक दिन में छीन ली। आओ भाई आओ, ट्रेवर भैया पिस्टल निकालो, ट्रेवर पिस्टल ही है फिलहाल अभी, फिर सिर्फ बाकी गन्स भी ले लेंगे, बट कोई बात नहीं, मेरी माफ़ी सब कुछ संभाल लेगी, जैसा भी देख लेंगे। तो कहाँ पर है बंदे, यहाँ पर लगता है कोई मीटिंग का प्लेस है, फिर जो भी है यहीं पर है बंदे सारे के सारे, क्या कर रहे हैं पता नहीं है, मेरी माफ़ी आएगी नेता बना देगी। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, ओके ओके, पीछे हो जाओ ट्रेवर लोग, पीछे हो जाओ, बहुत गोली पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गोली पड़ रही है यहाँ पे, तो फिलहाल ना अपनी आर्मी को बोल करके थोड़ा काम ले लेता हूँ भैया, क्योंकि यहाँ पे तो नेता बना रहे, पत्थर के पीछे कवर लेने का फायदा तो हो गया, बट बंदे आ रहे हैं, बंदे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, मेरी आर्मी कहाँ रह गई, अबे नमूनो आ रहे हो नहीं आ रहे, लगता है इनको पता नहीं चला, अबे अटैक हो गया पीछे, जल्दी आ जाओ, वो कहते हैं पीछे वाले मोहल्ले में मर्डर हो गया, जल्दी आ जाओ। फाइनली मेरी प्यारी आर्मी एक्शन में आ चुकी है, दरअसल बेचारों को थोड़ा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं एकदम से अकेले निकल गया आराम से, तो बंदे लगे हुए हैं, मारो मारो मारो, नमूनों को छोड़ना मत, वो तो दिखा देना सबक हम कि हम कितना दमदार है और वो कितना दमदार है,
इतनी हिम्मत कैसे होगी मिडनाइट वालों की यार, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वाली दुनिया में जहाँ पर आर्मी इतनी पावरफुल हो, जहाँ पर पुलिस इतनी पावरफुल हो, वहाँ पर रूल कैसे तोड़ सकती है? गलत हुआ, रूल नहीं तोड़ना चाहिए था। ये रूल आज से नहीं, कई सालों पहले बनाए गए थे। जब मुस्तफ़ा भाग गया था लॉस सैंटोस से, आपको याद होगा, उस टाइम पर विलियम्स ने, डी के विलियम्स, पता नहीं क्या नाम है, पूरा आंसर ध्यान नहीं है, उस बंदे ने सभी को संभाला 12 मेंबर। फिर उसके बाद कुछ अलग हो गए, फिर सब ने अपनी माफिया बना ली। बट एक रूल बना था उस टाइम पर, क्या ठीक है अगर तुम अलग भी हो, अलग काम करना सभी को, तो सेपरेट रहो, बट कोई किसी काम में नहीं आएगा, ना उसके एरिया में आएगा। ये सब कुछ रूल बनाया गया था, आज तक रूल नहीं टूटे। इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए शायद से, तो देखो तब से इतने अच्छे रूल चल रहे थे, फिर आज रूल क्यों तोड़ा इन्होंने? दूसरी जगह पर पहुंच चुका हूँ, मेरे बंदे मेरा इंतजार कर रहे थे, बोल रहे थे सर आप ही का वेट है। हमने इसलिए अभी तक किसी लिए नहीं मारा क्योंकि आपको दिखाना है हर एक बंदे को मरते हुए, क्योंकि आपके पापा को आपने अपनी आंखों के सामने देखा है मरते हुए, आपके सामने वो ब्लास्ट होकर मर गए, तो इसलिए इन सभी को आपके सामने मारेंगे हम, ताकि आपका बदला आराम से पूरा हो सके। मैंने बोला कमाल के बंदे यार तुम तो आ जाओ फिर। हेलो मेरे प्यारे मिडनाइट वालों, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जल्दी 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 मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो, तुम लोगों को काफ़ी सारे बंदे हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कवर लेके मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फिर बोला ट्रैप पावरफुल इंसान नहीं है, गोली लगेगी ना, कोई एडमेंटे में ना कुछ, गोली लग भी रही है और ज़्यादा लग गई ना तो हाजमा ख़राब हो जाएगा। बंदे मरते तो मर रहे थे, ट्रैप का अपना ख्याल करना है ना भैया, खेले बैठे बेचारी आर्मी और कितनी मेहनत कर रही थी, गोली लग भी रही है बेचारों को, बट क्या कर सकते हैं, जितना ट्रैप कर सकता ट्रैप कर रहा है भैया। उधर आगे देखो 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 और कोई बंदे है क्या? ओके बंदे खत्म हो गए, सारे अपने बचे हैं। ओके लगता है इस बेस पे कम ही बंदे थे। हेलो जी, बहुत बढ़िया, तो ठीक है सारे के सारे बंदे यार मैंने सुला दिए। एक्लिप्स वाले बंदे यार ऐसे थोड़ी हार जाएंगे, मानता हूँ कमज़ोर है, बट ट्रैवर के पापा की आर्मी, तो ट्रैवर तब इसको ऊपर लेके चला ही जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े ट्रैवर को, कितना ही बड़े गॉड फादर बनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई चिंता की बात नहीं, ट्रैवर इसको ऊपर लेकर के जाकर रहेगा। ठीक है मर गए ना, बहुत बढ़िया, अमेजिंग काम के भाइयों। चलो मैं घर पर जा रहा हूँ, वहाँ पे अपडेट लेता हूँ कितने बंदे वहाँ पर है कितने नहीं है, उसके बाद में ही हम सारा का सारा अटैक करेंगे मिडनाइट वालों के, और सीक्रेट बेस पता लगाओ, सब कुछ पता करो उनके बारे में। आज इस माफिया का पूरा जड़ से दी एंड करना है हम लोग काम, समझ रहे हो? बंदे बोल रहे हैं ट्रैवर जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे मालिक को मारा इन्होंने, आपके पापा को, आप हमारे नए मालिक हो, आपकी बात कैसे दूर कर सकते हैं, और ऊपर से हमारे बॉस मर गए, इतने प्यारे बॉस थे, छोड़ेंगे नहीं हम, चिंता मत कीजिए आप। मैंने बोला बहुत बढ़िया शाबाश, यही तो मेरे को सुनना था, ऐसा दम होना चाहिए आर्मी में, ऐसा जज्बा होना चाहिए, भले ही दम ना हो तो ठीक निकलते हैं। तो यार देखो अभी गुस्सा है ट्रायल का, बट क्या कर सकते हैं, कुछ काम आराम से करने पड़ेंगे, कुछ काम दिमाग से करने पड़ेंगे, बट मिडनाइट पे तो हम छोड़ेंगे, पूरा दी एंड कर देंगे मिडनाइट वालों का। आज घर निकलता हूँ, घर पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, देखते क्या चल रहा है घर पर। जेनिफर का फ़ोन आया, मतलब जेनी का, बोल रही है तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ आ जाओ। मैंने बोला ठीक है आ रहा हूँ, चलो मिल लेता हूँ घर पर। मैंने फ़ोन करके पता कर लिया घर पर सब कुछ सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, अपनी माफिया और भी नए नए प्लान बना रही है एंड ढूंढ रही है मिडनाइट वाले बंदों को, कहाँ पर है उन, कहाँ पर उनका बॉस है, सब ढूंढ लेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई ड्राइवर, ज़रा फटाफट से निकल पहुँच चुके जेनिफर के पास में, यही लोकेशन उसने सेंड करी थी, यहाँ पर आई होगी कुछ काम के लिए, मेरे को नहीं पता क्या कर रही है यहाँ पर। ओके बट यार इस लड़की का भी दुख है मेरे को बेचारी का, गन अंदर कर ले ड्राइवर, मैं नहीं चाहता इसको दिख जाए यहाँ पर, तू उल्टे काम करता फिर रहा है, फिर कोई मैकेनिक समझती है, और अभी इसको पता लग गया तो एकदम से माफिया बन गया बहुत तगड़े वाला, तो थोड़ा नाराज़ हो सकती है बेचारी, वैसे ही परेशान है यार, इसके अंदर मेमोरी नहीं, इसकी एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ भूल चुकी है। हेलो जेनी, हाँ बोलो। बेचारी को दुख है, इसको पता लग गया कहीं से कि ट्रेवर, मुझे अभी भी पता लगा कि तुम इक्लिप्स वाले जो यहाँ पर माफिया है हमारे शहर में, मुझे पता है उनका एक बॉस थे, तुम उनके बेटे हो, मुझे अभी अभी पता लगा,
मैंने बोला हाँ जैनी, मुझे भी कल ही पता लगा। और फिर ये बोल रही है, फिर मुझे एक और नई खबर मिली, तुम्हारे पापा को मार दिया किसने। मैंने बोला हाँ हुआ। तो बोल रहे हैं, आई एम सो सॉरी, तुम्हारा इतना नुकसान हो गया एक दिन में। मैंने बोला, मैंने बोला कि कोई बात नहीं जैनी, कोई बात नहीं, तुम क्यों अफसोस कर रही हो, जो होना वो तो हो गया। आओ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लंच वंच करते हैं, फिर मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं। मैंने पूछा यहाँ पर क्या करने आई थी। बोल रही नहीं कुछ नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे ही आई थी, मैं यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ, यहाँ पर मेरे डॉक्टर्स भी रहते हैं जो मेरे को थेरेपी देते रहते हैं जिससे मेरे को मेमोरी वापस आ सके। बेचारी लगी रहती है नीचे चक्करों में कि मेमोरी वापस आ जाए, सब सही हो जाए। बट भैया मेमोरी तो एक बार चली गई तो चली गई, मतलब पिक्चर में तो होता है कि सर पे दोबारा उसी जगह चोट मारो ताकि वापस आ सके मेमोरी। बहुत रेयर केस होता है, अगर मतलब मेमोरी इंसानी ख़राब हो जाती है ना तो बहुत मुश्किल से रिकवर हो पाती है। किस्मत अच्छी होती है इसकी हो जाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई ये चीज़। इसने मेमोरी खो दी अपनी बेचारी ने, दुख है इसके बारे में, क्योंकि ये किसी को जानती नहीं है। एक बार को तो अपने पापा को भी नहीं जानती ठीक से। अब वो तो उसके पापा ने ही बोला कि मैं तेरा पापा हूँ, क्योंकि देखो जी जिस इंसान के अंदर मेमोरी नहीं है वो सब भूल जाता है। बस फिर उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट आ नहीं रही ना। ठीक है जैनी, बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे तुम, वहीं पर चलते लंच करते, मैं तो घर छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब जो हो गया सो हो गया, बदल नहीं जा सकता, बट मैं इसको अपसेट नहीं दे सकता बिल्कुल भी। हम लोगों ने लंच किया, अच्छा लंच किया, मैं इसको घर पर लेकर के आ चुका हूँ। बोल रहे कि ड्राइवर घर पर चलो प्लीज़, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कोई है नहीं मेरे पास में, मैं थोड़ा परेशान थी और थोड़ा तुम भी, तुम्हारा डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, तुम भी परेशान हो रहे होगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये बोल रही है कि थोड़ा टाइम यहीं पर रुको, कॉफ़ी वॉफ़ी पी करके जाऊँ। मैंने बोला ठीक है पी लेते, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ट्रेवल कुछ काम तो है नहीं, पीछे माफे काम तो कर ही रही है। हेलो भाई गंजो, अगर किसी दिन अटैक यहाँ पर हो गया तो संभाल लेना, कहीं पता लगे लड़की को मरवा दो बेचारी को। आओ जाए नहीं आओ, तो ठीक है घर के अंदर चलते हैं। अच्छी लड़की है यार, मैंने देख लिया, पहली मीटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है उसके साथ में, अलग बात है, बट इसका दिल काफ़ी अच्छा है मैंने देख लिया। इसको बहुत दुख है ट्रेवल के पापा के जाने का, बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकती, ऐसे पहने कि ट्रेयर के पापा वापस ले आएगी। बस बेचारी दुखी हो सकती है और कोशिश कर रही है मुझे खुश करने की कि ट्रेयर भूल जाए, सब कुछ सही हो जाए। चिंता मत करो जैनी, ड्राइवर बड़ा हार्ड बंदा है, ये सब संभाल लेगा, सब ठीक हो जाएगा। जेनिफर का पूरा खुद का घर है, अमेजिंग लेवल है। तो जेनिफर तुम्हारे पापा ने तुम्हें खुद का पूरा घर दे के रखा है, अमेजिंग। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेली रहती हो उस पूरे घर में, और माफिया की तुम वैसे भी कमाल है। जेनिफर ने एक बात मुझे अभी बताई है, देखो जेनिफर के बारे में हमें कुछ नहीं पता सिचुएशन के हिसाब से, ट्रेवर को वैसे सब कुछ पता है, बट जेनिफर सोचती है मुझे कुछ नहीं पता, हम रैंडम बंदे हैं जो क्लब के बाहर मिले। अब इसको पता लगेगा कि मैं होमवर्क करके आ जाए इसके ऊपर पूरा का पूरा, कि मेरे को सब पता है तो किसकी बेटी है वो, तो बोलेगी तुम तो सब जानते हो मेरे बारे में, तुम कौन हो वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बात करी इस चीज़ के बारे में, जैसे मैंने इसको अपनी सच्चाई बताई थी, मैं मैकेनिक था, ये था वो था, तो इसने सुनी थी, और अब इसको पता लग भी चुका है कि मैं अब तो इक्लिप्स वाला एक लौता मालिक हूँ, तो अलग बात है। बट इसने मेरे को एक बात बोली कि देखो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, कभी फिर बाद में तुम नाराज़ हो जाओ, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ ट्रेवर, मेरे पापा माफिया है लॉस सैंटोस के, एंड वो भी क्राइम करते हैं, और वो भी पार्टनर थे एक टाइम पर इक्लिप्स वाले, मतलब तुम्हारे पापा के, और ये ऐसे ऐसा काम होता है, ये घर मैंने खुद उनसे ले कर रखा हुआ है, ये कोई माफिया के रेंज में नहीं पड़ता, बट मैंने बोला था पापा मुझे ये चीज़ अच्छी लगती, मुझे अलग घर ले करके दे दो, और ये गार्ड्स जो तुम बाहर देख रहे हो ये उन्होंने लगा करके रखे हुए हैं, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ ट्रैवर, माफिया की बेटी हूँ। तो मैंने बोला खैर अब तो मैं भी माफिया का ही बेटा हूँ, अभी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर तुम पहले बता दे तो शायद से मुझे अलग लगता और अजीब लगता, मैं डर जाता जैनी। तो जैनी के सामने बहाना करना पड़ता है, ड्रामा करना पड़ता है। तो बोल रही है बट तुम चिंता मत करो, देखो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती तुमसे बिल्कुल भी, जब तुमने मुझे सच बताया हर चीज़ के बारे में तो मैं भी सच बताऊँगी। तो मैंने बोला अच्छी बात है, तो जैनी कुछ और सच है तो वो भी बता दो, क्योंकि देखो जितनी सच्चाई होती है रिश्ते में उतना अच्छा रहता है। जेनिफर के टाइम मैंने थोड़ा सा टाइम और स्पेंड किया, चाय वाय पी, थोड़ी सी दो चार बातें और करी, लगता है काफ़ी करीब आ गए हैं, प्यार होने लग गया है। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, दो तीन मीटिंग हुई अभी तक, लॉजिक ऐसे काम नहीं करता कि मूवीज़ में ऐसा होता होगा भैया पहली मीटिंग में ही हो गया प्यार, ना ना रियल में ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो फिलहाल अभी हमारी दूसरी तीसरी मीटिंग है, बट हाँ सिंपति हो गई है बहुत ज़्यादा, अब जैनी को भी ट्रेवर पसंद आने लग गया है, एंड ट्रेवर ने तो पहले से ही कोशिश करके रखी है इस चीज़ के पीछे, देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैंने इसको बोला तुम चिंता मत करो, रेस्ट करो, आराम करो, वैसे भी तुम्हारी मेमोरी का थोड़ा ज़्यादा चक्कर है, तो आगे निकलते हैं। तो ठीक है ट्रेवर भैया, ज़रा आगे निकलिए, लेट मत कीजिए, जल्दी से पहुँचो, देखते क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। घर पर निकलता हूँ, सबसे पहले जाकर अपडेट लेता हूँ, क्योंकि जैनी के साथ मैं कम से कम 5-6 घंटे से हूँ, टाइम का पता नहीं चलता लड़की के साथ में। तो आगे निकलते हैं, पहुंच चुका हूँ घर पर, एंड नज़ारा बुरा है, अब तो अपनी माफिया से ही पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है। हेलो भाई नमूनो, अभी क्या चल रहा है ये बताओ फटाफट से मुझे, ये सब क्या हो रहा है, बंदे मर गए सारे सारे, घर पर अटैक हुआ था, कोई अटैक करने आया था, सारी बात जाननी है, बताओ जल्दी, नेता बना देंगे हम लोग मिडनाइट वाले बंदों का।
बंदे बोल रहे कि ट्रेवर जी फिलहाल ना यहाँ पर कुछ गार्ड्स थे, कोई अटैक करके चला गया। मिडनाइट वाले ही होंगे, हम तो अभी आए, हमने आगे देखा तो घर पर गार्ड्स मार के रखे हैं। ये बोल रहे कि हमने एक और जगह पता कर लिया, मिडनाइट वाले बहुत सारे बंदे वहीं पर हैं, अटैक करने के लिए गार्ड्स निकल रहे हैं। मैंने बोला तो चलो लेट मत करो, चलो जल्दी से अटैक करना है, वहाँ पर जा करके नेता बनाना सही बंदों का। और ठीक है भैया आज हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक्लिप्स और अपनी मिडनाइट वाले बंदे पूरे तगड़ी बच गई है। पर मैंने फिर बोला बदला जरूरी है, बदला जरूर लेंगे। गाड़ी लेकर के आओ, तैयार हो, निकलना है जहाँ पर भी तुम्हें दूसरी लोकेशन मिली है। मिडनाइट की इतनी हिम्मत, घर में घुस के अटैक कर दिया। पहले बॉस अलग थे, अब ड्राइवर है, ड्राइवर ये काम नहीं होने देगा। गाड़ी में भर कर फिर से माफिया निकल पड़ी है। ड्राइवर के पापा के पास काफ़ी बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ बंदे हमारे ही मर रहे हैं बट हम लोग हरा डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा भरोसा है ट्रैवल को। देखो मैं चाहूँ तो मैं इनकी गाड़ी में चल सकता हूँ, बट ट्रैवल गाड़ी में चलने में ज़्यादा मज़ा करेंगे। पापा की कार है वैसे भी, उनकी निशानी आखिरी, तो ट्रैवल तो इसी को चलाने वाला है। पता नहीं कहाँ से ली थी इन्होंने कार, यार कार बहुत अमेजिंग है, पूरे लॉस सैंडर से लॉस थी एक कार है ट्रैवल के पापा, पता नहीं कहाँ से लेकर गए इसको एक्लिप्स वाले के बॉस। तो जी गाड़ी बहुत बढ़िया है ट्रैवल भैया, वो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। चलिए ठीक है, अरे आराम से गाड़ी चलाओ नमूनो। तो निकलते हैं अगली लोकेशन पे नीता बनाने के लिए बंदों का। पहुंच चुके हम लोग जगह पर। मेरे भाइयों वेट मत करो बिल्कुल भी, तो बंदे इस वाले घर पर है जो पहले वाला भूत वाला घर था, पड़की वाली किसी और के एरिया में आता है। तो कहने की बात यह मेरे प्यारे भाइयों, पूरे घर को चारों तरफ से घेर लो, अंदर जो कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक्लिप्स वाले हैं, हम लोग दिखा देंगे इन सभी को कि मिडनाइट वालों तुमने पंगा गलत बंदों से ले लिया। सीधा बॉस को नहीं मारना चाहिए था, घर में घुस के मतलब कि गाड़ी में बम लगा के बॉस को नहीं मारना चाहिए था। जल्दी गन निकालो, पूरे घर पर फायरिंग करना शुरू करो, पूरे चारों तरफ से घेर लो इस घर को, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्दी आओ फटाफट से, जरा फायरिंग करना शुरू करो, एक दो तीन कर ले ट्रायल। ओके बहुत बढ़िया, तो फायरली बंदों ने नेता बनाना शुरू कर दिया। जो कोई बंद करो वो नेता बनाएंगे, देख देख के भी गोली मारना, ऐसा ना हो घर के बस चारों तरफ दीवारों पर गोली मार रहे हो। बना दो नमूनों का नेता इक्लिप से बनना, और भाया थोड़ा आराम से आर्मी को बाकी हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल पुलिस वाले बहुत कमाल के बंदे ट्रायल के पापा की टीम के, वो आर्मी को पुलिस को बेवकूफ़ डाइवर्ट करती रहेगी, बनाते रहेगी बेवकूफ़ जिससे यहाँ तक और उनका सुबह न जाए गेंग बोल की, कोई दिक्कत नहीं। मारो ना बोलो ठीक है, चिंता मत करो ट्रैवल के पापा तो मार दिए। एक ही एपिसोड में मिले बेचारे, एक मिले मतलब के साथ मिले हुए ऊपर मैं बता ड्राइवर भैया नजर आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मारते रहो मारते रहो, नंबर एक दो तक मारो कम से कम। जो कोई भी होगा मरना चाहिए सारे सारे बंदे, कोई जिंदा ना बचने पाए। तो ठीक है घर के अंदर भी देख के मारो, दीवारी मत तोड़ो सिर्फ, चलो 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 बहुत सही है। तो ठीक है बंदों को लगाने के बाद थोड़ा सा काम करने को देखते हैं। सभी बंदों को मैंने अंदर जा करके चेक करने के लिए बोला है, तो देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई क्या चेक करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर कुछ बंदे हैं नहीं है। चेक करके आने दो कितने बॉडीज मिली है, कोई मेन बंदा है नहीं है, जब तक मैं आराम से वेट करता हूँ। चलिए मेरे ट्रेवर भैया फटाफट से गाड़ी के बोनेट पर आ जाइए, बैठिए एंड वेट कीजिए। इक्लिप्स वो कहते हैं ना चांद तक लेकर के जाएगा ट्रेन इक्लिप्स को, और सबसे बड़ी माफिया बना डालेगा। भाई बात समझ नहीं आई, अच्छा मैं घर के अंदर नहीं गया, मैंने अपनी टीम को बोला था कि जाओ अंदर जा करके चेक करो कितने मरे कितने बचे, अरे भैया सब मर गए होंगे अंदर, तो ये सेटअप था क्या? इक्लिप्स माफिया को मारने के लिए मिडनाइट ने क्या प्लान बनाया? घर के अंदर बॉम्ब, अरे भैया सब मर गए होंगे, जरा जा करके चेक कर, बॉम्ब तो फट गया शांत भी हो गया। बट देखो यार पॉइंट कहने की है, कभी एक और बॉम्ब और अब मैं अंदर जाऊँ और मैं फट जाऊँ, बट जाके चेक तो करना पड़ेगा, मेरी आर्मी गई थी अंदर। ट्रैवल जरा चेक कर जल्दी देख, और हाँ थोड़ा सावधान रहना ट्रैवल, कभी पता लगे एक और बॉम्ब और तेरा भी नेता बन जाए। तो इस सेटअप का जो भी था वो तो मेरे को देखना पड़ेगा, बताओ कैसे कैसे सेटअप होते हैं दुनिया में। ओके भाई लो बंदे बच नहीं पाए मेरे, बन गया नेता। ट्रैवल जरा आगे चेक कर, ओके बहुत बढ़िया सही में एक सेटअप था, अब ज़्यादा आगे नहीं देखते क्योंकि बंदे मर ही गए होंगे, इतना तगड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कि बचा है कोई नहीं मरा। पॉइंट ये है कि कोई आगे ही बॉम्ब हो सकता है, और अपनी जान बची तो सबसे बढ़िया है। और ट्रैवल को सुपर हीरो नहीं है हमारी सीरीज में, मैंने फिर बोला कभी नेता बन जाए तो ट्रैवल भैया ज़रा गाड़ी में आ जा, क्योंकि मेरे यार बंदे तो मर गए। किसने दी थी इन्फॉर्मेशन उसका तो मैं नेता बना दूंगा। पुलिस वालों से बात करता हूँ कि भाई नमूनो क्या चल रहा है, ये मेरे सारे बंदे हम लोग आए थे किसी को मारने के लिए घर पर, और देखा तो सेटअप था घर के अंदर, वो तो नहीं था कोई भी, हमने फ्री में गोली चलाई और मेरे बंदे मर गए, बात करनी पड़ेगी पुलिस वालों से। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर एंड पता नहीं भाई अभी पुलिस वाले क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। मैंने जब इनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला ट्रेवर हमें भी पता लगा है सारी चीज़ें, जल्दी आ जाओ बहुत ज़रूरी बात तुम्हें बतानी है, अभी भी बात पता लगी है। हाँ मेरे भाई क्या ऐसा पता लग गया जल्दी बोलो, तो बोल जल्दी बोल। बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर हमने गलत बंदों के ऊपर टारगेट किया है, मिडनाइट ने कभी भी तुम्हारे पापा को मारा ही नहीं है, हमें डाइवर्ट करने के लिए खबर फैलाई थी किसी ने जानबूझ के, पता नहीं किसने, हम पता लगा रहे हैं अभी भी पता लगा है, सारा प्लान था जेनिफर के पापा।
जिस लड़की के तुम पीछे घूम रहे हो आजकल, उसके पापा एपेक्स के जो बॉस है, एपेक्स की लड़की है वो, मतलब कि एपेक्स माफिया के बॉस है जेनिफर के पापा, वे बोल रहे हो उसके पापा ने सारा रायता फैलाया ट्रेवर, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको दबोचो, वो है तुम्हारे पापा का असली मर्डरर। मैंने बोला कहाँ पर मिलेगा वो, चलो मेरे साथ आओ आओ जल्दी चलो मेरे साथ में, नेता बना देंगे। भाई देखो क्या हो गया, जेनिफर के पापा है तो क्या हो गया, हम तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम सभी को मारेंगे, लेट नहीं करूँगा मैं, सबका नेता बना दूंगा। जेनिफर के पापा का इतना दमा है मेरे पापा को मारा, वह बराबर करते हैं ना किस्सा, ट्रेवर के पापा मर चुके तो जेनिफर के पापा को मार देंगे, फिर इक्वल हो जाएगी दोनों चीज़ें। आओ पुलिस वालों जल्दी आओ, नमूनो लेट मत करो बिल्कुल। एपेक्स के बंदे के पास पहुँच चुका हूँ मैं, मैंने पूछा तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, चुपचाप बता दो मेरे को। ऑफिसर्स मुझे लगता है प्यार से बात नहीं मानने वाले बंदे, प्यार से बात नहीं मानने वाले बंदे, अबे बता दो चुपचाप नहीं तो नेता बना दूंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बोल दो कहाँ पर मिलेगा तुम्हारा मालिक, बस सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा सच्ची में, किसी को नहीं मारूंगा, तुम्हारे बॉस को मारूंगा बस, तो बताओ कहाँ पर है वो, क्योंकि उसने मेरे पापा को मरवाया है तो मैं नहीं छोड़ने वाला। अब क्यों पुलिस वाले बिल्कुल कन्फर्म है, तो पता नहीं यार भरोसा तो है नहीं कि नमूने ने पहले किसी और के ऊपर अटैक करवा दिया, अब किसी और को, और फ्री में मिडनाइट वाले बंदे पीछे पड़ जाएंगे, अब यार देख लेंगे जो भी है, बताओ जल्दी। बंदे बोल रहे हैं कि अगर तुमने गन पॉइंट तगड़े से करी ना ड्राइवर, मतलब तुमने पिस्टल से मारने की कोशिश करी तो बच नहीं पाओगे, हम यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, चुपचाप हमारे मालिक के पास चलो नहीं तो तुम्हारा नेता बना देंगे। तुम क्या सोच रहे हम चार पाँच ही है, तुम अकेले यहाँ पर आए हो, पीछे पूरी फौज है, हज़ारों बंदे हैं, पीछे से बंदे और आ रहे हैं, एंड नहीं बच पाओगे। तो भैया जेन्युइन चीज़ के हिसाब से देखा जाए, मैं कोई एडमेंटम वाला बंदा नहीं, और बाकी सारी चीज़ें तो नेता बन सकता है, इन पुलिस वालों को दोनों को मार दिया इन्होंने, इन्होंने सभी ने बुरा हुआ यार, और मैं पकड़ा गया। तो देखो एकदम से एक्शन नहीं लेते, चलो अच्छी बात क्या है, मेरे को अपने मालिक के पास लेकर के जा रहे हैं, वहीं पर अगर मौका मिले तो उसको वहीं मार देंगे, यहाँ पर लड़ने की क्या ज़रूरत है। ड्राइवर ने बोला ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप जा रहा हूँ यहाँ से। तो इन्होंने बोला जा नहीं पाओगे, अब तो बॉस ही तुम्हारा फैसला करेंगे। तो ठीक है ठीक है, कहाँ मिलेगा तुम्हारा बॉस। जेनिफर के पापा के पास पहुँच चुका हूँ, बंदे खुद की अपनी योट है भाई, मेरे को उसके बंदे बोट से यहाँ पर छोड़ करके चले गए हैं, एंड ओके ये रहा बंदा ऊपर ही है, ठीक है ऊपर निकलता हूँ, आ रहा हूँ चाचा जी आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। तो बंदे ने बोला जाओ जा करके बॉस से मिलो, अच्छे मूड में क्या होता तो मैं जिंदा भी छोड़ते, क्योंकि तुमने हमारे बेस पर घुस करके उल्टे काम करने की कोशिश करी है। तो देखो एकदम तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ट्रेवर इक्लिप्स के बेटा है, आजकल तो बारिश हुआ इक्लिप्स का, तो देखो ये मिडनाइट तो नहीं है कि मेरे को देखते ही मारे, क्योंकि मिडनाइट से तो पंगा हो गया, वो तो देखते अटैक करेंगे अब, बट ये एपेक्स है, हमने इनका एक बंदा नहीं मारा, सिर्फ इनके बेस पर गए थे, तो इसलिए बॉस प्यार से मिलेगा। तो देखते क्या बात होगी क्या नहीं होगी, बस अब मौका देख करके मुझे इसको चौका मार के मार देना जैसे भी हो। तो देखते हैं मेरे प्यारे भैया ड्राइवर, वैसे जेनिफर का पापा एक बार फिर से सोच ले यार, तू क्या अपने पापा के मौत के बदले के चक्कर में इसको मारेगा, फिर कभी जेनिफर को ये बात पता लग गई तो फिर तू कभी भी वो तुझे वो कहते हैं ना प्यार नहीं कर पाएगी, सीधी सी बात है, लड़की के पापा को मार दोगे और लड़की को बता दोगे भाई तेरे पापा को मैंने मार दिया, तो कौन सी लड़की प्यार करेगी दुनिया में, कोई नहीं करेगी, देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ड्राइवर भैया चलिए फटाफट से आगे निकलिए, लेट मत कीजिए। हेलो जी कैसे हो जी, ससुर जी, अभी ससुर जी को थोड़ा मारना पड़ेगा, हेलो, बट देखो न मारूँ तो अच्छा है, ड्राइवर के ऊपर डिसाइड होगा तो भाई ड्राइवर मारेगा नहीं मारेगा। हेलो जी आ गया हूँ बोलिए। तो तुम हो इक्लिप्स माफिया के नए वारिस, मिलकर अच्छा लगा, जो करना था करो, अपने दुश्मनों को मारना था मारो, मेरे बेस पर घुस करके मेरे आदमियों को धमकी दी, मुझे मारने की धमकी दी, इतने बड़े तुम कब से हो गए, मेरा अभी बस चलाना तो मैं तुम्हें इधर ही मार दूं, पर मैं रूल्स फॉलो करता हूं इसलिए तुम्हें नहीं मारूंगा, आखिरी मौका देता हूं, चुपचाप चले जाओ यहां से, समझ में आया। तो फिलहाल भाई साहब एटीट्यूड देख रहे हो, बोल रहा है कि चलो छोड़ देता हूं बच्चा समझ के, इक्लिप्स के तुम नए वारिस हो, बहुत सारी बातें हुई है, बोल रहा है जा निकल यहां से, मैं रूल नहीं तोड़ता इसलिए आखिरी मौका समझ के छोड़ देता हूं, मतलब आखिरी गलती। तो फिलहाल ऐसा है कि मेरे प्यारे लाल, और अगर मैं आपको यहीं मार दूं तो मेरे प्यारे भैया जी तो क्या कर लोगे, पीछे आपका एक सिंगल गार्ड है, जब तक वो गोली चलाएगा तब तक मैं आपके सर में आर पार कर भी दूंगा, कर भी चुकाऊंगा मतलब। तो अकेला योट पे घूमते हो डर नहीं लगता, एक भी सिंगल गार्ड नहीं रखा आपने, यहीं पे आपको टपका दे तो क्या करोगे, आप रूल को फॉलो करते हो, मैं नहीं करता। तो तुम मुझे मारोगे, अगर मुझे मार दिया तो जेनिफर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी ड्राइवर, अरे बस चलो इतना कैरेक्टर है मत घुसो, सच में मार डालोगे बेटा, बहुत खुशी मिली तुम्हें देख करके, तुमने जो कहा वो कर दिया। तो फिलहाल अमेजिंग लेवल, मैं वैसे गन पॉइंट कर रहा था इनको डरा करके, तो मैं नमूने ठीक है, तो देखो जैसा मैंने वादा किया था ऐसा पूरा होगा। ससुर जी क्या कर सकते हैं, अमेजिंग काम था या नहीं था, तो बताइए
और कुछ भी करना है नहीं करना, आगे जैसा आप कहो सब कुछ हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। सर जी सर पूरी बात हो गई है, 5 मिनट जाएगी कम से कम, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, जब तक इनसे ऊपर से आकर के बातें मिलता हूँ। तो चलिए चल चलते बात करते हैं। ड्राइवर ड्राइवर किसका बेटा है? मेरा कद्दू किसका बेटा? क्यों होता हम क्यों होते क्लिप्स के बेटे? हलवा है क्या? हम नहीं है उसके बेटे, हमने उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, जेनिफर के ऊपर से। मैं जेनिफर के पीछे पूछा, अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ उसके पाप उसकी बेटी के ऊपर, इसके मतलब इसकी बेटी के ऊपर किसी ने गन पॉइंट किया लॉस सैंटोस में, ये बंदा एपेक्स का माफिया का बॉस है, काफ़ी बड़ी है एपेक्स माफिया, और ये कुछ नहीं करेगा इसकी बेटी के ऊपर कोई भी गन पॉइंट करके ऐसे आ जाएगा? इसने तुरंत पता लगा लिया क्या चल रहा है। तो एक दिन मैं इससे मिलने गया, ये चीज़ आपने नहीं देखी, ये चीज़ कब हुई? जब मैं अपने पापा से मिल करके आया था, उसने जब मैंने आपको वो फ्लैशबैक बताया कि मेरे को इसने बोला है कि भैया मुझे आज जेनिफर को अपने प्यार में उतारना है, उसके बाद हम इसके पापा को ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ तक तो सब कुछ सही जा रहा था। फिर उसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आया इसका, इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, बोला मेरी बेटी के ऊपर खुद ही अटैक करवाते हो, खुद ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हो, फिर इसके साथ घूमते हो, क्या चल रहा है? क्या मैं नहीं समझता किसके कहने पर तुम्हें कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं किसी के कहने पर भी नहीं कर रहा, मुझे जेनिफर पसंद है। तो फिर इसने मेरे को आलतू फालतू की बहुत सारी बातें बोली, बोला कि तुम्हें जेनिफर पसंद है तो फिर इक्लिप्स माफिया के बॉस से क्यों डील कर रहे हो? तो मैंने उससे फिर बोला घुमा करके कि उससे कहने पर मैं काम कर तो रहा हूँ बट जेनिफर मुझे पहले से ही पसंद है और मैं सच्ची में प्यार करता हूँ जेनिफर से। तो इसने बोला चलो ठीक है 1% मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर भी लूँ, फिर भी मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे बेटे से ऐसे लड़के से क्यों करा दूँ जो एक तो मैकेनिक है 2 रुपये का काम करता है जिसका खुद का अपना कोई ठिकाना नहीं है एंड ऊपर से माफियाओं के इलीगल काम करता है। तो मैंने बोला मेरे भैया तू कौन सा गाजर मूली बेचता है बे, तू भी तो माफिया है। तो इसने बोला स्टैंडर्ड का फ़र्क है हम दोनों में, तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड बहुत कुछ है। मैंने बोला तो ठीक है जी स्टैंडर्ड तो उठ जाएगा, वो मैं 2-4 या 1 महीने में उठा लूँगा, उसे कोई चिंता नहीं है। तो इसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं स्टैंडर्ड को रहने दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं हो, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, बात ख़त्म। मैंने बोला बोलिए क्या काम करवाओगे? मैंने बोला कि मतलब किसने बोला कि बहुत सालों से मैं सिर्फ अपनी सिंगल ही माफिया को कंट्रोल में कर पाया हूँ, मेरी बहुत दिनों से इच्छा है मैं किसी और एक माफिया को अपने कंट्रोल में करूँ, तुम फिलहाल इक्लिप्स के लिए काम करते हो, अगर तुम वाकई में ही दमदार हो तुम में काबिलियत है तो साबित करो, इक्लिप्स माफिया को अपने नाम पर करके दिखाओ और उसको अपने हुक्म पर नचाओ और यहाँ तक कि उसके बंदे भी ख़त्म करो या फिर दूसरे गैंग के विषय तुम पंगे लो सारे काम करो, और मुझे इक्लिप्स माफिया के रास चाहिए पूरे तगड़े वाले जिससे वो पूरे मेरे कंट्रोल में आ सके, बात ख़त्म। और फिर अपने काम शुरू हुआ, कहने की बात ये मोटी मोटी इसको अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मुझे अपने आप को साबित करना था काबिल, और इसको चाहिए था कि इक्लिप्स माफिया को मैं ख़त्म कर दूँ और उसके सारे राज इसको दे दूँ, भले ही मेरे को बॉस बनना हो ना बनना वो मेरी चॉइस है, ये शर्त थी इसकी बेटी को देने के लिए। तो ठीक है आगे बढ़ते कहानी में, बाकी चीज़ मैं आपको आगे और क्लियर करूँगा। उसके बाद हमारे प्यारे भाई ने जब मेरे को बात बोल दी तो ट्रेवर काम पर लग गया, ट्रेवर को तो वैसे भी इक्लिप्स की तरफ से हरी झंडी थी लड़की को दिल में मतलब के प्यार में फंसाने के लिए, और अब इसकी तरफ से भी नया काम मुझे मिल गया था। तो मैंने एकदम एलेक्स को फ़ोन लगाया, एलेक्स मुझे इक्लिप्स की पूरी डिटेल चाहिए A to Z। एलेक्स के पास डार्क सिटी के सारे बंदे हैं बहुत प्रोफेशनल वाले, वो डार्क सिटी का बंदा है, उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली जिसने मतलब जो हर बंदे को नहीं पता। उसने बोला कि इसका एक बेटा था जो 3 साल का था जो जलकर मर गया था मॉल में किसी वजह से, हादसा हो गया था। तो मैंने बोला ठीक है वो बेटा जिंदा है मैं ही हूँ, मेरी पुरानी कुंडली निकाल और सारा डेटा तैयार कर 1 घंटे के अंदर, और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए क्लिप्स तक किसी भी ज़रिए से, और बस मैसेज गया एक अननोन ऐसे ही कि ट्रेवर के बारे में पता कर लेना चाहिए, अननोन बंदा है, ये बात हमने पहुँचाई क्लिप्स के बंदे तक ताकि वो मेरी कुंडली निकाले। उसने मेरी कुंडली निकाली, उसमें उसको पता लगा कि मैं उसका खोया हुआ बेटा हूँ, मैं उसका बेटा बन गया। बेटा बनने के बाद उसने मेरे पूरा भरोसा किया, वो मुझे उस वाले रूम में लेगा जहाँ पर वो सारे सीक्रेट सकता है अपने एंड अपने और सारी चीज़ें, वो मेरे कब्ज़े में सारी फाइलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बॉस हूँ तो वो मेरे को मिल ही जाएगी। तो वो सारी राज उसने मेरे को बता दी जो जैनी के पापा चाहते थे, वो चीज़ मैंने वहीं पूरी कर दी। उसके बाद जैसे मुझे फाइलें मिल गई तुरंत फिर मेरे को इक्लिप्स के बॉस की जरूरत नहीं थी, बम लगाया मैंने गाड़ी में तुरंत वहीं पर उसको उड़वा दिया, बात ख़त्म, ड्रामा गया। क्योंकि जैनी के पापा को राज के साथ साथ थोड़ी गैंग वॉर भी चाहिए थी जिससे क्या हो कुछ माफिया अपने आप ही ख़त्म हो जाए रास्ते से और इसके पापा का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि 12 माफिया है और इतने में से हर कोई ऊपर नहीं है, बट अगर आधी माफिया ख़त्म कर दो मान लो 6 ख़त्म कर दो तो इसके पापा ऑलरेडी top 3 में पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो, माफिया अगर ख़त्म कर दो तो लेवल खुद ही बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसने मेरे को मैं बॉस बना उसी चक्कर में, और बॉस बनने के बाद में
पुलिस वालों तक नकली खबर पहुंचाई। यह बाद में मेरे को जेनिफर के पापा ने बताई थी, एक्लिप्स वालों के लिए कुछ पुलिस, खास बंदी पुलिस काम करती है, उनको भी बेवकूफ़ बनाना है हमें। तो इसलिए मैंने एलेक्स को बोल करके जानबूझ के नकली फेक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई पुलिस वाले बंदों के पास में, ताकि वो बंदे मुझे मिडनाइट वालों की इन्फॉर्मेशन दे और हम लोग जानबूझ के ऑफिशियली उनसे लड़ाई करें। और एक्लिप्स वाले बंदों को भरोसा दिलाया मैंने कि पापा को उन्होंने मारा है, हमने मिडनाइट को तोड़ा, उन्होंने हमें तोड़ा, फिर तो लड़ाई भाई शुरू हो गई। फिर ये पुलिस वाले बहुत तेज़ निकले, इन नमूनों ने पता कर लिया कि ये काम किसी ने मिडनाइट ने किया ही नहीं है, एपेक्स के की वजह से हुआ है। पता नहीं कहाँ से ये खबर लीक हो गई कि ट्रेवर एपेक्स के लिए काम कर रहा है। दरअसल उस बेस में जाने के बाद ये बंदे मेरे को मारने वाले थे, पुलिस वाले बंदे, उन्होंने मेरे रास को पता कर लिया था कि ट्रेवर एक्लिप्स का कोई बेटा बेटा नहीं है, ये एपेक्स ने सब कुछ ड्रामा रचा है सारा काम करने के लिए। बट फिर भी वो जानबूझ के मेरे साथ गए उस बेस में एपेक्स के पास तक। मैं समझ गया था कि ड्रामा कर रहे हैं और ये बंदे जान चुके सारी चीज़ें, इसलिए मैंने तुरंत दोनों को वहीं ठोक दिया, मैंने उनको मारा था। और वो ड्रामा तो खैर आपके लिए दिखाने के लिए था सिर्फ, जो एपेक्स ने मेरे पर एम किया। दरअसल फिर बस मेरे को इन्हीं के पास आना था, क्योंकि इनका सारा का सारा प्लान लगभग मैंने पूरा कर दिया। तो देखा जाए तो मैंने अपने आप को साबित किया लायक, वो सारे प्रूफ्स इनके पास पहुंच जाएंगे बहुत जल्द, जिसमें सारे का सारा इक्लिप्स का पूरा कुछ चिट्ठा है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, कितने बेस उनके पास, कितने आर्मी में काम करती है, क्या क्या उसके राज है, उसके पास सब कुछ है उसके पास में, जिसका फ़ायदा उठा सकता है अपनी आर्मी को ग्रो करने के लिए। यहाँ तक कि मैंने उसकी आर्मी को यूज़ करके गैंग वॉर भी शुरू करवा दी दो आर्मी में। मैंने अपने आप को पूरा लायक साबित करा जैनी के पापा के लिए। बस हाँ, ट्रेवर ने एक बात सच बोली झूठ बोली है मुझे नहीं पता, इसने बोला जैनी को मैं पसंद करता हूँ, इक्लिप्स के लिए तो वैसे ही काम कर रहा हूँ। अब ये बात में कितना दमा ये मुझे नहीं पता, बट मेरा काम पूरा हो गया। ससुर जी तो बताइए शादी कब करा रहे हो? देखो जेनिफर जल्दी ट्रेवर से प्यार करने लगेगी, मतलब मुझसे प्यार करने लगेगी, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। एंड आपकी शर्तों के हिसाब से मैंने आपको सबूत ला करके दिए सारे के सारे, इक्लिप्स माफिया आपके रास्ते से ख़त्म कर दी, वो मेरी हो चुकी है, टोटल सिर्फ 10 ही बची है आपके, आपको हटा लो और मुझे हटा लो तो 10 बची है, 2 ख़त्म हो गई। इक्लिप्स माफिया जल्दी ही ख़त्म कर देगी मिडनाइट वालों को, 3 ख़त्म हो जाएगी। तो आपका मैंने कितना रास्ता साफ किया, किसी को शक भी नहीं दिया। पुलिस वाले पहुंच गए थे हम लोगों तक, मैंने उनको भी दिया कर दिया, कोई नहीं जान पाया कभी कि सारा रास्ता मैंने फैलाया। तो अब बोलिए शादी कब है? तो फिलहाल भाई ये थे सारे सस्पेंसिस एपिसोड के, तो बताइए आपको पूरे के पूरे एपिसोड के सस्पेंस कैसे लगे? ड्राइवर ने कैसा इक्लिप्स का बेवकूफ़ बनाया? मैंने बोला था ना, ड्राइवर अगर अपने पर आ जाए तो इनका ऐसा बना दिया कोई सोच नहीं सकता। तो मैंने सारा काम क्यों किया? पहले खैर ड्राइवर नॉर्मल काम कर रहा था, बट फिर इसकी तरफ से ऑफर आया। एंड जेनिफर के लिए काम किया ड्राइवर ने, पता नहीं क्यों यार, कि जेनिफर को ड्राइवर पहले से जानता है, मुझे नहीं पता। देखो ये बात एपिसोड में कहीं नहीं आई है, ये आगे वाले एपिसोड में आ जाएगी शायद से, अगर जानता नहीं जानता, क्योंकि ट्रेवर ने बोला जेनिफर के लिए मैं कर सकता हूँ और मैं उससे पहले से प्यार करता हूँ, ये कोई आज की बात नहीं है, कोई ड्रामा नहीं कर रहा, ये बात बोली है ट्रेवर ने इसके पापा को, कहने के बाद ये ट्रेवर पहले से उसको जानता है, बस मौका अब मिला उससे मिलने का। तो जो भी है, तो भैया जी तो ठीक है, आप कहीं कन्फ्यूज तो नहीं हुए, सारा प्लान समझ में आपके आ गया होगा, ये सारा मैंने क्यों रायता किया, जानबूझ के मैं नहीं मारा, जानबूझ के ड्रामा किया, बेटा बना, उसके बाद दूसरों से लड़ाई करवा दी, सबूत भी ले लिए, ऊपर से फिर पुलिस वालों को मारना जरूरी था क्योंकि वो चालाक थे, कॉन्टैक्ट पूरे ख़त्म कर दिए क्लिप्स के हम लोगों ने। हाँ भैया बोलिए। सरसुस जी ने बोला ड्राइवर तुमने जिल जीता है मेरा, तुमने वो काम किया जो आज तक मेरा कोई भी गैंग का मेंबर काम नहीं कर पाया, कमाल है ड्राइवर, तुमने मज़ा उठा दिया। जब तुम बोलो और जब जेनिफर बोले तुम्हारी शादी मैं करवाऊँगा जहाँ पर तुम करना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया। बस अब मेरे को जेनिफर की परमिशन चाहिए, एक बार जेनिफर ट्रेवर के प्यार में आ जाए, वो मुझे पसंद करने लगे, वो राजी हो जाए, पापा कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है भैया, ट्रेवर से पंगा लेने चले थे, ट्रेवर कोई माफिया वाफिया नहीं है, बस माफिया ने मजबूरी किया उनके लिए काम करने के लिए, फिर कहीं और से ऑफर आया तो मैंने ये किया, अब लड़की के लिए ट्रेवर ने क्यों किया कोई नहीं जानता, एक राज है और ये राज तो जल्दी खुलेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आके बताइएगा क्या हुआ, क्या मतलब कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो गोरी का मैकेनिक क्या सोचता है अपनी बेटी की शादी में इससे कर दूंगा, पागल, मेरा काम तो हो गया, सुनो खत्म कर दो इसको, कोई नामो निशान नहीं मिलना चाहिए इसका। मेरे मालिक को मारने चला था, पागल तेरा काम नहीं, उनका काम पूरा हो चुका है, अब तेरी कोई जरूरत नहीं, उनको मारने का दम पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, समझा, वो मेरे मालिक है।
सर, लॉस एंजेलिस में कोई नया लड़का आया है। सुना है उसकी वजह से माफिया कुछ ज्यादा एक्टिव हो गई है। आजकल शहर में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है सर। बोलिए क्या किया जाए।